अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। पर इसमें आने से पहले हमेशा आपको ये कहते हैं कि जरूर आइए इसमें, जरूर अपनी आवाज मिलाइए, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छा अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। आके आप बात कर सकते हैं, ये तकरार है, यकीनन आप तकरार कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री आप कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, मगर आपको ये देखना है कि किसी कॉलर पे ना जाइए, अपनी बात कीजिए, अपने ऊपर कीजिए। ये कि आप लोग कॉलर पे आके बात करना शुरू कर देते हैं कि ये कॉलर ये बोल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ना कीजिए। और ऊपर से ख्याल रखिए कि मुल्क के बारे में इतने गलत लफ्ज ना चुना करें। कुछ कॉलर आते हैं कि मुल्क को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका मुल्क है, आप उसी मुल्क से इस मुल्क में पहुंचे हैं, आपकी शनाख्त है वो मुल्क, आपकी पहचान है वो मुल्क, आप अपने बच्चों को क्या देंगे, आप यही कहलाएंगे ना कि आपके बच्चे चाहे कनाडा में पैदा हुए हैं, कैनेडियन बच्चे हैं, मगर आप बताएंगे ना कि आप कहां से हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, आपका कहां से ताल्लुक था, आप किस मुल्क से यहाँ पर आए, आप क्या नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आप कहां से आए, आपको ये बताना ही पड़ेगा। और आप बताएंगे भी ये कि हम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान से आए, बेटा हम पाकिस्तान में रहते थे, आपकी रूट्स वहां पर हैं। तो इसलिए प्लीज लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा किया करें। लाइव शो होता है, लाइव शो को देख के कॉल किया करें कि ये लाइव जा रहा है आपका, ये ना करें कि ये घर में बैठे हुए शो चल रहा है आपका और आप घर में बैठ के आप बात कर रहे हैं इस शो में, आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा प्लीज। इसलिए कि लाइव होता है और दुनिया देख रही होती है, लाखों करोड़ों लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं इस शो को, और जब रिपीट चलता है, मैंने आपको बताया कि लोग कितनी छोटी छोटी सी बारीकियां देख रहे होते हैं, और फिर सारा जिम्मेदार जो है वो एंकर को ठहरा देते हैं कि एंकर का काम था। भाई एंकर क्या करेगी लाइव में, उसने कॉल ली और कॉल करके एयर कर दी, अब मुझे क्या पता पीछे से कॉलर क्या बात कर रहा है। तो कॉलर को ख्याल करना चाहिए कि वो लफ्जों का चुनाव सही से अदा करे और सही बात करे, कि लाइव शो में आ रहा है तो उसको एहसास होना चाहिए मेरी आवाज भी लोगों तक जा रही है, आवाज की भी एक पहचान होती है, समझ लें आप लोगों की। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आपको और आपके साथ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी बात ये है कि आपने पूछा कि चौथा साल क्या हुकूमत के लिए टफ होगा। जी 22 जी हुकूमत के लिए तो एक दिन भी टफ नहीं रहा, हुकूमत तो जो है हर दूसरे दिन उनके मजों में इजाफा हो रहा है, अलबत्त आवाम के लिए डे वन से जो है वो टफ होता जा रहा है जी। हर साल जो है वो पहले से ज्यादा टफ हो रहा है। आप ये देखें कि मुल्क के ऊपर जो महंगाई की रेशियो है, हर साल उसमें जो है वो 10%, 15%, 20% हर दफा। अब जो इनके पहले साल आए थे उस वक्त जो प्राइसेस है उनमें 4-5 गुना इजाफा हो चुका है जी। तो इसलिए सख्ती तो जो है वो आवाम के लिए है। दूसरी बात ये है कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो अपना चलती है, सबसे पहले कि आप अपने जो करेंसी की वैल्यू है उसको स्टेबल करें। ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से करेंसी की वैल्यू जो है वो अपना दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसके बाद दूसरा होता है कि आप करप्शन को जो है कंट्रोल करें। ये जब से आए हैं इसमें करप्शन में हर साल इजाफा हो रहा है, यहाँ तक के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो इंडेक्स शाया करती है हर साल 6-7 दर्जे पाकिस्तान में भी नीचे करप्शन में मतलब अपना गिर गया है। आखिरी बात होती है फिर ये कि मुल्क में गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस ये होती है कि आप इंतजाम आप मुल्क का इंतजाम इस अंदाज से चलाएं कि अवाम के ऊपर आपका एतमाद हो जी। अवाम के ऊपर आप एतमाद दिन ब दिन खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब अवाम भी जो है वो मजीद तंग होती जा रही है। ऊपर से महंगाई जो है उसने इतना उनका जीना दुभर कर दिया हुआ है, और फिर उससे ऊपर सुहाना ये कि ये हर रोज जो है वो झूठ बोलते हैं, और इनके दौर में जितने करप्शन के केसेस आते हैं उनको मुलम्माकारी करके उसको दबाने की कोशिश कर देते हैं। अभी ये देखें रिसेंटली नैब के चेयरमैन ने कहा जी कि हर रोज ये पीटीआई के मैम अपना जो मिनिस्टर है रोज आके कहते हैं कि हमने इतने अरब की रिकवरी कर ली, इतने अरब की रिकवरी कर ली जी। नैब के चेयरमैन ने 2-3 महीने पहले कहा था जी हमने 814 अरब की रिकवरी कर ली है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कौमी असम्बली की है वो अब नैब चेयरमैन को बुला दिया जी जनाब आए ये बताएं कि ये 814 अरब रुपए जो रिकवरी की थी ये कहाँ जमा कराई है, क्योंकि हुकूमत के तो खजाने में नहीं है जी। तो अब वो भी वहाँ पे पेश नहीं होते हैं, और हुकूमत भी जो है वो नैब के चेयरमैन को जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। इसी तरह कोरोना में 40 अरब रुपए का ऑडिटर जनरल ने
अपना निशानदेही की कि 40 अरब रुपए का जो है वो घोटाला हुआ है जी, हुकूमत उसका जवाब देने से कातर रही। आईएमएफ के प्रेशर के ऊपर उसका थोड़ा सा तस्करा हुआ लेकिन फिर उसको जो है वो दबा दिया गया। इस तरह कोई भी चीज है, आप ये देखें कि अभी रिसेंटली खाद जो है, ये खाद अगर हर साल पता होता है कि इस महीने हमें दरकार होगी तो उसके लिए हुकूमत 2-3 महीने पहले पेशबंदी कर लेती है कि कितनी हमारी प्रोडक्शन है और कितनी हमें पूरी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए इंतजाम कर लेती है जी। ये अब सीजन कास्ट का खत्म होने को है तो अभी तक जो है वो उसके लिए इंतजाम नहीं हो सके। अब अगली फसल आ रही है अपना, उसकी मेरे ख्याल में मकई की और सूरजमुखी की जी, तो अभी तक उनके लिए खाद अवेलेबल नहीं है। नहीं। तो ये जो बैड गवर्नेंस है ये हर फील्ड को अपना जो है दिन ब दिन बर्बाद कर दिया है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर इतना अपना गलत असरात आ रहे हैं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये हमें अगले साल भुगतना पड़ेंगे। तो इसलिए ये है कि गवर्नेंस इनका सबसे बड़ा जो अपना फेल्योर है वो इनकी गवर्नेंस है। तो अगर ये वाकई समझते हैं कि ये अपना हमने इसको हल करना है तो सबसे बेहतर अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये अपनी गवर्नेंस को अपना बेहतर करें। देखें सियासतदान जो है ना ख्वाबों के ताजर होते हैं, बेशतर सियासतदान जो है जिंदगी में कोई एक आध ख्वाब जो है ना वहां को बेचने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये इमरान खान जो है जो जब से आया हर चौथे रोज जो है ख्वाबों का पूरा टोकरा अपने जो है ना फॉलोअर को बेचने में कामयाब हो जाता है। तो ये लोगों को ख्वाबों में रखना चाहते हैं, रियल लाइफ में जो है वो नहीं लाना चाहते। जी 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 जी, इमरान अगर रियल लाइफ में आ जाए तो फिर अवाम जो है तो थोड़ा सा मुतमिन हो सकते हैं कि हाँ हुक्मरान जो है हमारा काम कर रहा है। लेकिन हुक्मरान जो है डे वन से अंडे कुत्ते अंडे कट्टे बकरी और अपना उनके चक्कर में पड़ के तो इस तरह उसने 4,000 जया कर दिए और अवाम को मजीद। तो अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि सही है हुकूमत कोई कारकर्दगी नहीं कर रही, अब 22 जो है हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना, ये हकीकत है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अगर बाहर निकलने के लिए कतरा रहे। पीटीआई, अब देखिये पीटीआई हुकूमत जो है ना मुस्लिम नून लीग का के लिए है ना क्या कहते हैं वो इस बातें कर रही है, एतराजात उठा रही है कि इनके लोग जो है ना क्या कहते हैं क्या सोच रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग मिल गए हैं जाके, खुफिया मुलाकातें हो रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के बंदे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसमें कहां तक सच्चाई है क्या है वो तो आपने देखा, फवाद चौधरी साहब ने भी आके कहा कि खुफिया मुलाकातें और इन्होंने नाम भी ले लिए दो लोगों के जी। ये मैंने अभी ये किया ना कि ये रोजाना नए ख्वाब लाके अपने फॉलोअर को उसको भेज जाते हैं जी, तो यही ये ख्वाब इन्होंने किया, इसलिए आप मेरी खान साहब से गुजारिश है। तो क्या ये जो नवाज शरीफ है कि उनको कुछ खतरा है, उनको अपने लोगों से बगावत की वो नजर आ रही है जो आने वाले थे, जो बहुत शोर मचा था कि 2 महीने बाद आने वाले, 1 महीने में आने वाले, इस महीने के एंड में आने वाले, अब कहीं पे भी नहीं, स्टॉप हो गया, अब आने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, तो क्या इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे या नहीं आएंगे, आपसे सवाल है मेरा, ये बताएं आप मुझे। देखें हर पार्टी जो है वो एक अपनी स्ट्रेटेजी अपनाती है जी, वो पॉलिटिशियन वो होता है या वो इसको कह लें कि जी अपना जो गरम लोया जब हो ना तो उस वक्त जब चोट लगती है ना तो वो सही कार्य कर होती है, तो वो जो है वो उस अपना मुनासिब वक्त में है कि किस वक्त आना है, किस वक्त उन्होंने चोट लगानी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो खुद लड़खड़ा रही है, इनके वजीर भी जो है रोजाना ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि जिसके ऊपर यकीन नहीं होता। इसलिए आप मेरी खान साहब से गुजारिश है कि खान साहब लंगर खाने को आपने काफी खोल लिए हैं, आप मेहरबानी करके कुछ पागल खाने भी खोल लें, अगर आपके वजरा तर्जमान और पार्टी के बच्चा खिचे इरकान भी जो है इस मुल्क के बशिंदे हैं तो ये जाते हुए वजरा और तर्जमान बातें करते हैं, ये पागल खानों वाली बातें करते हैं। बात सिंपल सी ये है कि ये एक हफ्ते से इन्होंने लगा दिया जी को 4 बंदे मिल गए हैं, इससे आपने क्या महंगाई, इससे आपने काम एक सेकंड होल्ड कर लें, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, एक मिनट के लिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये लास्ट सुने, मेरे एक और कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, चले मगर आपसे बात कर लेती हूँ फिर उनसे लूंगी तफसील। मैं 20 सेकंड में, ये इन्होंने कहा था जनवरी को आएंगे, अब इनसे खुद जवाब देना है कि आप लोग ये क्या कहते हैं, कि सच बोलते हैं या मरियम कैदी की तरह झूठ बोलते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मौका महल देख के वो आएंगे और लोहे को चोट मारे गरम गरम, तो यानी कि ये खुद कह रहे हैं वो बीमार नहीं है, नहीं तो ये कहते हैं कि जब तबीयत सही होगी तब आएंगे, इसका मतलब उन्होंने भी झूठ बोला और ये जो लीडर ये जो अभी बोल रहे हैं ना इन्होंने भी झूठ बोला। एक कह रहे थे मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वो आएंगे, एक कह रहे थे कि 25 को आएंगे, 26 दिसंबर को आएंगे, तो बात ये कि पहले इनको ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हो,
सियासी पार्टी तो झूठ बोलती है, इस आवाज एंटरटेनमेंट चैनल पे तो सच बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ले लीजिए जी। हेलो जी जी, ये थे ना सेकंड कॉलर जी। नाज़रीन को भी और आपको भी सलाम जी। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अभी 2022 की क्या बात कर रही हैं, 28 तक भी इमरान खान ही आपको नजर आएंगे। अभी तो आप पर आप ये बताएं कि इमरान खान कैसे नजर आएंगे जब इमरान खान के खुद जो कारकुन है और जो रहनुमा है अराकीन है वो कह रहे हैं, वो खुद ये बात कर रहे हैं, देखें वो खुद ये बात कर रहे हैं कि हम बाहर जाते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है, हम किस मुंह से अवाम का सामना करें, हम किस मुंह से अवाम का सामना करें। हर आने वाला दिन आपको पॉजिटिव न्यूज मिलेंगी, हर आने वाले दिन में आपको पॉजिटिव न्यूज, मगर आज की पॉजिटिव न्यूज बता दें मुझे जरा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जी जी। आज की पॉजिटिव न्यूज बताएं जरा सर जी। बैक फुट पे आके खेलेगी, ये बैक फुट पे नहीं खेलेंगे। अच्छा बताएं आज की पॉजिटिव न्यूज बताएं मुझे जी। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है जो पहले कभी भी इनके दौर में नहीं आई। पाकिस्तान में सैमसंग और आपके मोबाइल की कोई 6-7 कंपनियां आ चुकी हैं, सैमसंग कंपनी भी आ गई जिसको कहते थे कभी नहीं आएगी। फिर आपके यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रही है, आप इससे अंदाजा करें कि इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ रही है। आईटी में बहुत काम हो रहा है, आईटी में जोन बन रहे हैं, इस्लामाबाद और लाहौर तो था, अभी हरिपुर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसका इफ्तिताह कर दिया गया। मतलब इतनी अच्छे तरीके से इमरान खान की हुकूमत आगे जा रही है। ये देखिएगा आम आदमी के लिए भी बहुत कुछ आने वाले दिनों में उनको भी मिलता जाएगा। तो ये तो देखिए मैं आपको बताऊं, अपोजिशन में तो रोना धोना ही है और इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अपोजिशन अगर अपोजिशन होती तो यकीन करें ये इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करते, लेकिन अपोजिशन नाम की तो कोई चीज थी नहीं कभी भी। तो इमरान खान को अपनी परफॉर्मेंस ये नहीं है कि अभी कोई देखे, एक सही ट्रैक पे इमरान खान आ चुके हैं जी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला देखें पाकिस्तान ने आगे इमरान खान ही की क्यादत में जाना है। ये मैं आपको बता दूं, लोग बातें करेंगे 100 तरह की, लेकिन आपने एक कान से सुनना है, दूसरे से वो बातें सारी निकाल देनी है, इसलिए कि उन बातों में कोई वजन दमखम नहीं है, वो तो करते रहेंगे, उनका तो काम है। तो ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बेहतर सिमत में चल पड़ा है और हर तरफ से आने वाले टाइम में आपको अच्छी ही खबरें मिलेंगी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो अभी आप देखेंगे फौजदारी कानून पास करने जा रहे हैं, इसमें तरमीम करेंगे, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत, मेरा ख्याल कल या परसों तक ये कुछ ही दिन में ये पास हो जाएगा। तो इससे भी आप देखिएगा कि काफी अदालतों का निजाम में भी बेहतरी आएगी कुछ ना कुछ। तो ये तो पाकिस्तान जी के एक मुस्बत तरफ शुरू हो गया है सफर। और ये देखें ये जो डैम बन रहे हैं ना आपके मुल्क में, ये भी इमरान खानी की क्यादत में बनना शुरू हुए, और इंशाल्लाह इमरान खानी की क्यादत में ये अगले 5 साल में कंप्लीट भी हो जाएंगे और आना शुरू हो जाएंगे। उससे बहुत बेहतरी आनी है आपके मुल्क में। आप सोच नहीं सकती कि डैम के बनने के बाद आपके मुल्क में जो एक इन्वेस्ट यानी आपकी एक्सपोर्ट, आपके आम आदमी के की जो बिजली की मामलात हैं, मतलब हर तरफ से बेहतरीन नहीं है अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए। और ये IMF का भी मैं आपको बता दूं, ये आखिरी प्रोग्राम है ये पाकिस्तान में जो चल रहा है, इसके बाद IMF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? जी बेहतर है पहले से, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे देखने और सुनने वाले भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा अभी मैं वो भाई की बात सुन रहा था जी। वो कह रहे थे कि आप 2028 तक देखेंगे इमरान खान को, तो भाई अगर ऐसे वो रहे तो फिर मुल्क ही नहीं रहेगा जी। जो जी और जो हालात चल रहे हैं देख रहे हैं आपके, कितने ज्यादा खराब हालात है मुल्क के, वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मोबाइल कंपनियां नई कंपनियां बन रही है, मोबाइल की कंपनी आ गई, सैमसंग आ गया, कभी नहीं बनी पाकिस्तान के अंदर। जिंदगी को आसान करें जी, 4 साल हो गए आपके ये लॉलीपॉप आवाम को देते हुए,
अब आप ये देखेंगे अगर पीटीआई के लोग खुद जो हैं जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है पीटीआई के ऊपर के है ना, इनके अराकीन जाके खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, ये अपोजिशन पे लगा रहे हैं और अपोजिशन इनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग थे जब उनको पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर हाथ है तो वो इमरान खान के साथ जुड़े थे, अब वो इमरान खान को छोड़ के जाना चाहते हैं, इमरान खान से हटना चाहते हैं। तो आप बताइए फिर इमरान खान की हुकूमत क्या है कि अगर इनका वोट बैंक जो था जो अभी नवाज शरीफ का भी मौजूद है, अगर इलेक्शन सर पे सवार है, अब एक डेढ़ साल के बाद तो एक साल के बाद तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी, बल्कि अभी शोर और गुल मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तैयारियां, तो आपको लगता है कि वो पूरे वोट जो है ना आवाम उनको वोट देगी? अभी तो इनके अराकीन जो है वो कहते हैं कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, हम कहीं आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते, इसलिए कि आवाम के पास जब जाते हैं तो आवाम की बिलकती हुई और सिसकते हुए चेहरे हम नहीं देख सकते जो लोग खुदकशियां कर रहे हैं। तो आप बताएं हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम है 22। तभी तो मैंने कहा ना कि इनके चंद गुजरा जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है कि रोन जल रहा था और नीरू वहां ही बजा रहा था जी। मतलब आपने कहना कुछ होता है, आपको महंगाई के ऊपर जोर देना चाहिए, आप नवाज शरीफ को लेकर बैठे हुए हैं, पहले तो इन्होंने कहना ही छोड़ दिया ना कि हम लेके आए, अब तो ये कहते हैं क्यों आएंगे, अब तो ये पूछते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अब तो ये पूछा जाता है। और इनके लोग नवाज शरीफ के लिए के जो पार्टी के लोग हैं, अब आप ये देखें नवाज शरीफ के जो लोग हैं वो पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अब पार्टी डिसाइड करेगी नवाज शरीफ कब तशरीफ लेकर आए, अब अंदाजा लगा लें। अब वो ये भी नहीं कहते, कुछ लोग हैं जो शहबाज शरीफ से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर बताएगा और अभी तो मेरी खुद की सर्जरी होगी, पहले मेरी सर्जरी होगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नवाज शरीफ तशरीफ लाए या ना लाए, मगर जब इलेक्शन होंगे तब जरूर आएंगे। अब आप देखें ना कि जितने इल्जाम लगाए थे इन्होंने वो इताबदार के ऊपर इल्जाम लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का जी, ठीक है, उसको वहां से लंदन की अदालत ने उसको बेकसूर करार दे दिया जी, ठीक है, उनके ऊपर तो इन्होंने वो भी भरा जी, ये नहीं वो एयर वाय वगैरह जो होते उनका भी भरा, ठीक है जी, और सेनेट की सीट दोबारा बहाल हो गई, का क्या वो शौकत करीन तो इताबदार की सीट पे आए थे कि फैसल वाडवा की आयरन वो किसकी सीट पे आया था मैं इतना बोले, ये देखो कि वो भी अब सेनेटर बहाल हो गए दोबारा, तो आप ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे इनको ये देखना पड़ता। प्लस मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब तक आप अपने इन हाउस तब्दीली नहीं लाएंगे ना आप दूसरों को टच नहीं कर सकते, आपको इन हाउस तब्दीली लानी चाहिए थी, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहांगीर शरीफ के ऊपर वो करने की, और एटलीस्ट इनका नाम ईपीएल में तो लगा देते आप नहीं करते, सही कह रहे हैं कुछ तो करके दिखाते हैं। ये दो तीन साल इनकी जिंदगी में इन्होंने अपनी लाइफ अपनी हुकूमत के दौर में कुछ तो कारकर्दगी दिखाते तो आज फखर से इनके अराकीन बोल सकते कि ये काम किया। सबसे मेन काम तो इनका ये था कि महंगाई पे काबू पाते, जो आवाम को जो देते रोटी कपड़ा मकान हर कोई जब सीट लेने आता है तो वादा यही करता है कि भाई ये इतनी महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। अभी तो आप देखें गैस नहीं, लोगों के घर बिजली नहीं है, इतनी महंगाई है। मेरा सवाल बल्कि लोगों से ये भी था आज कि आप बताइए कि आपके जो रिश्तेदार रहते हैं पाकिस्तान के अंदर आपके अपने करीबी रिश्तेदार वो क्या बताते हैं आपको मुल्क के हालात? आपको बताता हूं मेरी रोज अपने भाई से बात होती है। हां आप वो बताएं, वो मुझे सुनना है जरा सब लोगों से। रोज मेरा एवरी डे क्योंकि गैस नहीं है तो हमें बाहर से खाना लाकर तीनों टाइम को खाना पड़ता है जी, और उसमें 2 से 2500 वो चार लोग हैं, 2 बेटियां उसकी माशाल्लाह कहते हैं हमारे 2500 रुपए खर्च होते एवरी डे, अंदाजा लगाया हुआ 2500 का मतलब आप 30 दिन लगाए कहा जाता है, उनकी जॉब अच्छी है छोटे उन लोगों का जिनकी जिनकी जॉब अच्छी नहीं है, जिनकी जॉब अच्छी नहीं है वो कैसे करेंगे जी जी। और आप ये देखें अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में अगर एजुकेशन पे जिस तरह कल एक कॉलर कह रहे थे कि देखें सबसे मेन चीज ये कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, एजुकेशन पे जोर दें, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज अच्छी तालीम दिलाएं अच्छे असाज़ा रखें, तो आप ये देखें कि अगर बच्चों की वहां पे स्कूलों की जो नहीं अब खाएं या बच्चों की स्कूलों की फीस दें, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जो अच्छे स्कूल हैं उनकी फीसें कितनी ज्यादा है आप अंदाजा लगाएं, तो एक अमीर का बच्चा तो पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा कहाँ से तालीम हासिल करेगा, डिपेंड करता है ना। इन्होंने गवर्नमेंट के स्कूल की हालत बेहतर की है,
हॉस्पिटल की हालत बेहतर की है। पहले पुराने वाले तो हम कहते हैं भाई छोड़ जी, अरे भाई आप मिस्त्री आए थे वो काम तो, और हम ये भी मानते हैं कि पुराने वालों के जमाने में भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी, हम ये भी तस्लीम करते हैं कि दूध की नहरें नहीं बह रही थी जो इनके जमाने में नहीं बह रही है, मगर ये कि इनको जो काम करने आए थे वो करते। सिर्फ चोर चोर का नारा लगाने से तो मुल्क नहीं चलते है, जो इन्होंने चोर 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 का नारा लगाया और किसी का भी एहतसाब नहीं लिया। अब आके कॉलर कहेंगे जी अदालतें ये तो लेती है, अदालती निजाम सही नहीं है, अदलिया सही नहीं है, ये जी पाकिस्तान से कॉलर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी एक सेकंड बट साहब ये पाकिस्तान से जी। हेलो जी, बोले जोर से, बोले जोर से प्लीज, जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैम मैं जोर से बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई मसला है, जोर से बोल रहा हूँ, बोले आवाज मेरी। स्पीकर को मुंह के सामने करें। मैंने कहा बंदा खिदमत में हाजिर है पाकिस्तान से, आप क्यों इतना परेशान हो रही है, आप पाकिस्तान से जी 22 साल तक न्याजी लोगों को बेवकूफ और उल्लू बनाता रहा, और उन्होंने हमारी जान खा ली। खान को एक दफा वजीर आजम बन जाने दो, पहले दिन ये करेगा, पहले हफ्ते ये करेगा, पहले महीने ये करेगा, पहले 3 माह में करप्शन का खात्मा कर देगा, चोरों को उल्टा लटका देगा, लूटे हुए पैसे बाहर से ले आएगा, गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटियां बनवा देगा, किसी चोर को डाकू को साथ नहीं मिलाएगा, 18 बंदों की काबीना रखेगा, प्रोटोकॉल नहीं लेगा, साइकिल पर दफ्तर जाएगा, पता नहीं उसने क्या क्या ख्वाब दिखाए, कर्जा नहीं लेगा, अपने आप को फांसी लगा लेगा। लेकिन वो यूथ की सारी उम्मीदों पर ना उसने पानी फेर दिया। 90 दिन कभी 1 साल कभी 2 साल कभी 3 साल की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और हमें कहता रहा, और उनके जो मानने वाले दीवाने मस्ताने वो कहते रहे वो भाईजान है खान को अभी और थोड़ा सा टाइम दो, और हम उन्हें कहते रहे भाई खुसरे के घर औलाद पैदा ना होने की उम्मीद ना रखो, उसने के घर औलाद नहीं पैदा होती, ये आपने बेवकूफी वाली उम्मीद रखी हुई इस बंदे से, जिसने सारी जिंदगी नौकरी या कारोबार नहीं किया, सिर्फ अपनी हीरोगिरी और स्टेटस। मगर आप ये बात ना कहें कि उन्होंने कारोबार नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर ये कि है ना वो आए थे, मगर उनके जो साथ में काबीना में लोग थे उन्होंने उनको कुछ करने नहीं देते, वो करना चाहते हैं मुल्क के लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इमरान खान की अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना रहे वो, कहीं उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनी, कहीं उन्होंने गबन नहीं किया, अभी लोग आके मेरे ऊपर ही आएंगे बात करेंगे। बात तो करने देना जी, मुझे बात तो करने दे, मैं सब कुछ जो आप कहती है वो भी सुना दूंगा आपको जी, बात तो करने दे। वो कहते हैं ना कि उसने ये मान सकते हैं कारकर्दगी कुछ नहीं जी। हाँ जी, वो मकसद बात करने का ये है कि मांग तांग कर दौलत इकट्ठी करता रहा और मुल्क को ऐसी अंधेरी गली में धकेल देगा जहां से सही सलामत निकलना किसी के बस की बात नहीं रहेगी, ठीक है। और अभी भी तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क्यादत है उसको अभी भी ये खारिश है कि जनाब इमरान खान कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। अब 3.5 साल के बाद, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को उम्मीद है इमरान खान से कि इमरान खान कुछ करके दिखाएगा, जिस तरह यहाँ के कॉलरों को उम्मीद है। वो उम्मीद नहीं, वो खारिश है इनको, उम्मीद नहीं है वो, ठीक है। पता इनको भी है कि उसने कुछ नहीं करना, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आगे भी सुन लो मैम, अब 3.5 साल के बाद मुल्की मुईशत की मां बहन एक करने के बाद नई ट्रैक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि सदर बनवाओ मुझे, फिर मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखाऊंगा, सदके जावा तेरे में माही, पूरा सत्यानाश करता मुल्क का, कमले तो कमले बंदे तू लिया के बिठाता साढ़े सिर के उत्ते, ठीक है। और फिर तो सानू फिर भी आप हमें समझा रहे हैं कि हम इस मुल्क को संवार देंगे, और बुजदार से अच्छा तो जो है ना, बुजदार से अच्छा तो वो पीपल्स पार्टी ने वहां पे जो है ना सिंध में वजीर आला अच्छा लगा दिया था, ठीक है। आपने तो अपने सिर्फ नीचे रखने के लिए पंजाब को ना, आपने नीचे रखने लगे पंजाब को, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। कम अज कम अगर आपको इतना शऊर होता कि हुकूमत तो मेरी रहनी है ना, वजीर आजम तो मैंने ही रहना ना, कम अज पंजाब एक इतना बड़ा सूबा है, वहां पर मैं किसी अच्छे आदमी को जो है वजीर आला बना दूं ताकि मेरी वाह वाह हो जाए, ठीक है, कम अज कम उसको काम करने वाला आ जाए। वो आपने वो ऐसा वो है ना मोटे मुंह वाला, उसको तो बोलना भी नहीं आता, क्या बताऊं मैं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पीछे से मुशीर उसको ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे दोबारा होता है कि बोले जी बोले, ये अल्फाज का जवाब दे दें आप, देख लें आप कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के, वो तो बोलता भी नहीं, जैसे उसके सीट के पीछे बटन लगा हुआ है, दबा दिया तो बोल पड़ा, ना दबाया तो नहीं बोलता। अच्छा तो बताए नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आने तशरीफ ला रहे हैं, आपने तो बी तो बताया था कि इस तारीख को मैम आने वाले। मेरी बात सुने,
मेरी बात सुने, शेर है वो शेर। हाँ, अच्छा बताएं आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे? मैम जी आएंगे वो, इससे इसका हाल देखे, मेरी बात सुने, सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ तो हो रही है, वो आ तो गया इनके दिल में, वो इनके दिलो दिमाग पे सवार तो हो गया, और कैसे आएगा मुझे बताएं। ये इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी कोई हंगामा है कि इनके वजीर मुशीर सुबह से लेकर शाम तक एक ही तस्वीर रो रहे हैं, नवाज शरीफ। तो फिर बताएं मुझे अब वो आए या ना आए, लेकिन उसने अपने मुल्क में अपने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में वो घर कर दिया जो इस ना अहल की वजह से, जो पहले मोहब्बत नहीं भी करते थे ना, अब वो भी नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं, वो भी नवाज शरीफ के नाम लेके नारे लगा रहे हैं। चलो मैं दोबारा आता हूँ, दूसरे कॉलर को भी ले ना जरा। चलें तो आप सही है, इसलिए कि आप काफी देर तक होल्ड पे थे इसलिए मैंने आपको लिया, एक नया कॉलर है मैं उनको ले लेती हूँ, पहले इनसे बात कर लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो जी 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 मैं बोलूं? हाँ बोले, फिर मेरे पास एक कॉल कॉलर है, मैं इसको भी लूंगी जल्दी से, बोर्ड पे डाला मैंने इनको। जी को काम नहीं करने देते यार, मेरा सिंपल सा एक सवाल है जी, कि अगर आप सिर्फ घर घराने से चले सकते हो तो क्या किसी बदमाश चोर मच्छरे को अपना दोस्त बनाएंगे, क्या उनकी महफिल में जाके बैठेंगे, क्या उनको अपने घर ला के बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। तो बात ये है कि अपना हम जिनस बहन कुनत परवाज, जैसी रूह थी वैसे उनको फरिश्ते मिल गए हुए हैं, जैसी उनकी खसलत थी वैसी खसलत थी उनको बंदे मिल गए हुए हैं। अब बात ये है कि ये आपने कहा कि ये 4 साल तक होंगे, तब तो आगे इतने 19 तक हालात पाकिस्तान के, अभी आप देखें पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 7 वाकयात हो चुके हैं। जी जी जी, ये इनकी नाकामी की, अपना इनकी खारजा पॉलिसी की ये हालत है कि आप वहाँ पे अफगानिस्तान का एक छोटा सा। जी देखिए, जल्दी से छोटा सा मैसेज दे दें, फिर बाद में कॉल कर लीजिएगा तफसील। जी, अफगानिस्तान का एक छोटा सा तर्जमान भी उठ के कहता है कि आपकी औकात क्या है कि आप हमें मशवरा देते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ ये पहली दफा आए, इनको एयर करना है, फिर दूसरे कॉलर को करूंगी, वो भी पहली दफा आए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अगर थोड़ी देर रुक जाएं तो आपसे थोड़ा तफसील से बात करना चाह रही थी, तो एक कॉलर को एयर कर दूं, वो दो छोटा सा मैसेज देके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब जी, हेलो जी। जी सबसे पहले जब शेर पैदा हुए थे ना, शेर साहब जूते पॉलिश किया करते थे और पीछे ऐसे सलामी दे के हाथ में हाथ लगा के ज़ियाउल्लाह के पीछे खड़े होते थे। वो बात गई, दूसरे जनरल आए अपना मुशर्रफ साहब ने जरा आंखें दिखाई, उन्होंने इनको गर्दन से पकड़ा और ये मुल्क से भाग गया। जी मैं शेर की बात कर रहा हूँ, शेर साहब को भागते वक्त किसी अपने वजीर या मशीर से सलाह ली कि मैं भाग रहा हूँ। सैयद मशाहद हुसैन कहते हैं कि उस जहाज में हमारे लिए जगह नहीं थी, चौधरियों के लिए जगह नहीं थी, शेख रशीद के लिए जगह नहीं थी, ये भागे वहां चले गए। उसके बाद अब दूसरा इमरान खान आया, इमरान खान ने गर्दन से पकड़ा तो वो शेर फिर भाग गया। कैसा शेर है ये? शेर तो शेर होता है, ये तो किधर से भी गया हुआ है, जिसको ये शेर बोल रहे हैं उसे कहे तो कम बैक इन पाकिस्तान एंड फेस द म्यूजिक एंड देन फिर पता चलेगा कि शेर कौन है। शेर अभी है, अभी उसका वक्त पूरा होने से 20 मंथ है उसके पास, ये भी पूरा होने के बाद और 1 साल और ले सकता है कानूनी तरीके से, अगर वो ना कराना चाहे इलेक्शन तो 1 साल और है उसके पास और नेक्स्ट 5 ईयर भी उसके पास है। चलो मेरी भी कॉल लंबी हो गई, अब सबको टाइम दे आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा इनको कितना एहसास होता है कि सबको टाइम दे, थोड़ा सा बात करते हैं, कहते हैं चले बहुत लंबी हो गई कॉल। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाती हैं, मुल्क के हालात के हिसाब से देखें, फिर करप्शन के हिसाब से देखें, फिर अपोजिशन को देखें जी। पहले जो प्रायोरिटी है जो मुल्क का है, मुल्क को देखें, मुल्क की इकोनॉमी को देखें और तमाम लोगों की जरूरियात के लिए। इस वक्त 2-4 साल शुरू है यानी इमरान खान के पीटीआई के लिए ना, ये चैलेंज है इनके लिए। आपने देखा ना पीटीआई में खुद बगावत शुरू हो चुकी है, आपने भी नोट किया होगा, आप भी देख रहे हैं पूरे चैनलों को बैठ के देख रहे हैं, वहाँ पे कितना शोर मच रहा है कि पीटीआई के अपने बंदे और मुस्लिम नून लीग पे वो लगा रहे हैं। वो तो लोग आके चैनल पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खुफिया मुलाकातें हो रही है मुस्लिम नून लीग की, मुस्लिम नून लीग क्या कर रही है कि उस पे लगा दिया, शाहिद खान अब्बासी पे इल्जाम लगाया कि वो दोनों गए थे, खुफिया नाम भी ले लिए। आपने देखा ना फवाद
चौधरी साहब ने दो के नाम भी ले लिए कि ये दो लोग गए हैं जो मुलाकात करने गए, तो जब पीटीआई के चार लोग जा रहे हैं उनमें बगावत शुरू हो चुकी है, तो उस सिलसिले में क्यों शुरू हो चुकी है? जब वजह से इमरान खान अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं, मुल्क में बहुत सारी चीजें आ रही है, तो फिर क्यों इनके अंदर फूट पड़ गई आपस में पीटीआई के लोगों में? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि चेहरे बदलने के से कोई नहीं है, सिस्टम को बदलना है जी। अगर आप पीटीआई आई है तो चेहरे वही हैं जो इधर दूसरी पार्टी के थे इधर आ गए, लेकिन अब सवाल ये होता है अगर ये हैं। आपने बहुत प्यारी बात की, चेहरे बदलने से बेहतर है कि सिस्टम को बदलने की कोशिश की जाए, चेहरे ना बदले। आप ये देखे ना वजीर इमरान खान क्या कर रहे थे, काबीना में आए थे तो एक दूसरा को चेंज करके इस सीट से लगा दिया, इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, यही करते रहे, चोर चोरों का नारा लगाते रहे और लोगों की पोस्टें चेंज करते रहे। आखिर उन्होंने जो चेंजिंग करनी थी मुल्क के अंदर वो तो चेंजिंग नहीं की अपने मुल्क के अंदर। देखिए वही तो बात अपने कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ, तमाम कॉलर जो भी अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि चेहरे बदलने से नहीं है, सिस्टम बदलना है। सिस्टम बदलना, बहुत अच्छी प्यारी बात की, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बदले। सबसे ज्यादा कमजोर जो इस वक्त है जुडिशरी सिस्टम है हमारा, हमारा सिस्टम में जुडिशरी इतना वीक है और इतना करप्ट यानी लेवल पे लगता है ऐसा कि वो फैसले नहीं कर पाते हैं। अगर आपने एक हुकूमत आई है उसने चोर चोर का नारा लगाया तो उन लोगों को पकड़ा और उनका एहतसाब की तरफ रवा दवा है या नहीं है, या उनके केस अभी तक कोर्ट में ऐसे ही पड़े हुए, कोई फैसले नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी साइड पे आपको हुकूमत में है आपको काम करने हैं, आपके तरक्याती कामों के कुछ ना कोई आपके प्लान होने चाहिए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं इसमें कोई वो नहीं है जी। अब आप सोचेंगे जब बोला जाता है कि भाई महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो कहते हैं मजबूरी है महंगाई करना, महंगाई तो करनी पड़ेगी। अब तो गरीब आवाम की तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आपको महंगाई करनी पड़ेगी, कहते हैं कि मुल्क बहुत कर्जों में डूबा हुआ मिला तो हमें तो ये चीजें प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। जो कर्जा जिस शराइत पे उठाया गया है, आप सोचें कितने सख्त शराइत पे आपने कर्जा उठाया, पर आप आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कर्जा उठाया आपने किस शराइत पे उठाया है तो आपको हर चीज के प्राइस बढ़ाने, तो आपको ये सोचना होगा ना कि आपकी कारकर्दगी क्या है मुल्क के अंदर। वो यही तो मैं कहता हूँ ना कि असल में बातें ही है, उस पर थोड़ा आपको अमल भी करना है और आपको एक्शन लेना है। और जी जी, अब जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे तो फिर वो जो इलेक्शन के टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा ना, हार या जीत दो ही चीजें होंगी ना भाई, या तो आपके हिस्से में हार आएगी या जीत आएगी। अगर आपको अगले 5 साल के लिए अगर आपका टेन्योर की तरफ आपकी तवज्जो है तो आवाम तो ये कहेगी कोई आपके काम के बारे में हमें पता चले तो फिर हम भी अपने इलाके में किसी भी एमपीएस को वोट देने के लिए हम पीटीआई का जो भी खड़ा होगा हम देंगे वोट। अब मसला ये है कि मुसीबत ये होगी 4 साल से ना वो नवाज शरीफ के और इसके पैसे अकाउंट में इतने हैं। वो नवाज शरीफ एट दी एंड ये इत्तेहादतन भी मैं अपने प्रोग्राम देख रहा हूँ उन्होंने कह दिया कि वो तो नहीं आएंगे। अभी आप यानी कि आपकी राय है कि नवाज शरीफ अभी नहीं आने वाले? कैसे आप बताए ना, अगर आना होता है ना किसी हुकूमत के 4 साल के दौरान आ जाते हैं, वो कहते हैं इनको जान का खतरा है, तो वो जान का खतरा है वो, अब इसका तो किसी के पास कोई वो नहीं है जवाब कि वो उसको बुलाते ही जहाज से जैसे ही उतरेंगे गोली मार देगा कोई, ऐसा भी मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता। इतनी सिक्योरिटी भी वीक नहीं होगी कि आप ले आ रहे हैं तो और आपको फौरन ही होगा, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और आपको जाहिर सी बात है हुकूमत जिम्मेदार होगी इस बंदे की कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके सिलसिले में। लेकिन सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मुझे हर इस पहलू से नजर आता है, वजूहात अभी तक कोई क्लियर नहीं होती है कि अगर इन पे करप्शन के कोई जितनी है प्रूफ है सब कुछ है और वो कहते हैं मैंने इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए। फिर कम अज कम ये कौम को ये तो मैसेज दें कि भाई ये बिल्कुल क्लियर है, ये इंतकामी सियासत हो रही है हमारी मुस्लिम लीग नून के साथ। देखिए जैसे ना कॉलर कहते हैं कि अपोजिशन बहुत कमजोर थी, अगर हुकूमत ताकतवर होती और हुकूमत कुछ काम करके दिखाती तो ये अपोजिशन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अपोजिशन को अगर शुरू से आप अगर तजिया करा जाए और देखा जाए, अपोजिशन ने बहुत ज्यादा नारेबाजी की, बहुत ज्यादा पीटीएम बनाई, सब कुछ बनाया, हुकूमत अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया कि आज हुकूमत जाने वाली है, कल हुकूमत जाने वाली है, 2 दिन में हुकूमत खत्म हो जाएगी इनकी, बस ये महीने भी दे दिए, डेटें भी दे दी, डेट पे डेट दे दी, पर कुछ नहीं कर सके अपोजिशन, कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ थोड़ा सा फर्क आया, अब
फिर अपोजिशन निकल रही है, धरने दे रही है, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया, मगर आप ये सोचें कि अपोजिशन भी कुछ करके नहीं दिखा रही है, हुकूमत नहीं करके दिखा रही है, अपोजिशन नहीं करके दिखा रही है। हाथ में तो देखिए अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं होता मां सिवाय चीखना चिल्लाना या असेंबली में के मां, बस जैसे मेरे हमारे कॉलर कहते हैं कि भाई अपोजिशन का जो होता है सिर्फ काम ही होता है, जब शोर मचाती है अपोजिशन तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत पे असर होता ही होता है, तो हुकूमत के अराकीन पे कुछ ना कुछ तो असर छोड़ रही है अपोजिशन जो इतना उधम मचा रही है, शोर मचा रही है, तो शायद हो सकता है। आप देखें ना मरियम नवाज साहब कल अपने बयान में क्या कहेंगी कि आप क्या बात कर रहे हैं, अभी मेरे कॉलर तो कहते हैं जी अभी बहुत टाइम है, 5 साल और मजीद आगे करेंगे इमरान खान, वो ये बोल रही थी कि जी अभी तो आप क्या बात करते हैं, 1 महीने की बात कर रहे हैं, ये तो 4 दिन में हुकूमत जाने वाली है, तो क्या ख्वाब देख रही है अपोजिशन इस बात का? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको सिर्फ अपोजिशन का किसी भी हुकूमत का हो अपोजिशन का वो चीखना चिल्लाना ही होता है, मातेवा के कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्गली कोई कोई तनकीद ऐसी करें जिससे भाई कि आपने ये काम गलत किया था, और हमारे हिसाब से हमारी पार्टी के मंजूर के हिसाब से या मैं अपनी एक राय देता हूँ कि इसमें ये आपकी गलतियां, इसको दुरुस्त करना चाहिए थी, आपने नहीं की, ये क्योंकि पॉजिटिव आपकी तनकीद आप कर रहे हैं, अभी चीखना चिल्लाना आगे उसके पेपर को फाड़ना, और मतलब इस वक्त तो असेंबली में जो मर्जी चाहे बोल दे, मुझे तो चले एक सेकंड के लिए होल्ड करें, हाँ सही कह रहे हैं, असेंबली में तो कितना गंदी लैंग्वेज यूज की जा रही है, इतने एक दूसरे के ऊपर पेपर फेंके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं तो फिर एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ रहे हैं, पर काम तो कुछ भी मुल्क में नहीं हो रहा। जी आपको एक लतीफा सुना सुनाए लड़की हमने सोचा समीरा बहुत आज जज्बाती हो रही है, इसको एक लतीफा सुना के डंडा करूं मैं। लड़की को इम्तिहान में एक सवाल नहीं आ रहा था जी, पास लड़के ने मदद की और सारा पेपर हल करवा दिया, इस अच्छाई पर लड़की को लड़के से प्यार हो गया, और रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली जी, जब रिजल्ट आया तो पता चला दोनों ही फेल हो गए, तो इस लतीफे का एस्टैब्लिशमेंट और सिलेक्टेड से इत्तेफाक किया जो है तलक नहीं है जी, तो बात यह कि ये दोनों ही फेल हो चुके हुए आप। अभी बात की गई थी कि मुशाहिद हुसैन, मुशाहिद हुसैन इसका तज़किरा पहले भी किया गया, आज भी बड़ी दफा किया गया, मुशाहिद हुसैन ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की जी। और आप में ये भी इजाफा कर लें कि मुशाहिद हुसैन आज भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर सेनेटर है, तो इसलिए बात वो की जाए जिसका हकीकत से तल्लुक हो। अच्छा जो फवाद चौधरी जो इल्जाम लगाए दो खुफिया लोगों के, आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि सही इल्जाम लगाए उनके ऊपर? देखे मैंने जो आपको पहले शुरू में जो कहा ना कि इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपना लंगर खाने को जाए पागल खाने खोल रहे, इनका एक मैं तो ये शुरू से कहता हूँ कि इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच साबित होने लगे, क्योंकि ये जब खान साहब आए थे तो इन्होंने अपना आके सबसे पहला जो काम किया कैबिनेट बनाने से पहले एक तर्जमानों की अपना फौज बनाई, तो आप ये देखें कि जब से इक्तदार में आए हुए हैं ये तर्जमानों की अपना जितनी मीटिंग इन्होंने की है इतनी इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग नहीं की है, तो अब वो ये है कि उनका सारा का सारा दारो मदार जो है वो इसके ऊपर है कि अपना प्रोपगंडा के ऊपर प्रोपगंडा के सर के ऊपर ये अपना चल रहे हैं। बात यह है कि जब इक्तदार में आए थे तो आते सार इन्होंने अपना एक थिंक टैंक जो है उससे रास्ता किया, थिंक टैंक को जो है वो इन्होंने जिम्मेदारी ये दी थी कि उसको अपना क्या कहते हैं ऑटो कू और अपना एक थ्योरी होती है कि गोपले, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, इसका मकसद होता है कि मुतलकल अनानी के जरिए कैसे आप हुकूमत सकता सुली कर सकते हैं, और यही उन्होंने किया, और उस थिंक टैंक में जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक इन्होंने हर अदारे को अपने ताबे करने की हर मुमकिन कोशिश की, नैब को अंडर किया, एफआईए को किया, पुलिस को किया, फौज के जरिए इन्होंने पूरे निजाम को तलपट जी जी जी, और सिर्फ इनकी पाई थी कि मेरी एक लफ्ज के ऊपर जो है वो अपना चाहे अदारे काम करें ना करें, मेरे अपना सिस्टम के तहत काम करें ना करें, मेरे लफ्जों के ऊपर काम करें, तो ये चूंकि आए अमर बन के थे इसलिए अमरियत कर रहे हैं, इसलिए इनका निजाम नहीं चाहता। अभी बस खत्म करता हूँ आखिरी दो लफ्ज कि ये जो है आवाम के ऊपर सख्त जो है अपना मजीद दौड़ आ रहा है, आज आप देखते हैं कि बांग्लादेश का जो है पाकिस्तान के 2.1 रुपए के बराबर होता है, यानी कि इमरान खान भी 2% का नहीं रहा तो उसने कौम को भी 2% का नहीं छोड़ा। जी हेलो जी जी हेलो, इनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई। जी हेलो जी
जी जी तो इसकी मतलब ये है कि इस वक्त जरूरत है कि आप इस वक्त तवज्जो दें अपनी इकोनॉमी पे, तवज्जो दें आप अपने एक्सपोर्ट पे, आपके आवाम की जो मुश्किलात हैं उस पे तवज्जो दें, आप उसको छोड़ें कि वो आएगा नहीं आएगा। पाकिस्तान इस वक्त आपको 5 साल मिले हैं, आप मुल्क की तरक्की के बारे में बात करें भाई। सही कह रहे हैं, अभी आप ये छोड़ दें कि नवाज शरीफ ने तशरीफ लानी है नहीं लानी मुल्क के अंदर, आपको अपनी आवाम के लिए सोचना है, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है। आप उनका चोर चोरों का नारा बंद कर दें, बल्कि कुछ काम करना शुरू कर दें अपनी टीम को। उनकी भी आती है, देखिए मीडिया पे सुबह ही सुबह आते हैं सारे लोग, मीडिया पे आके बैठते हैं और सिर्फ यही हो रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में बस एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। देखा है ना आपने तमाम टॉक शो में, तमाम टॉक शो में यही हो रहा है कि भाई वो आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई वो जब आएंगे तो उसको अरेस्ट कर लेना, नहीं आएंगे तो सौ बिस्मिल्लाह बैठ के वो आप देखते ना उनकी तस्वीर, वो वॉक कर रहे होते हैं लंदन की स्ट्रीट पे। इट्स ओके, वो तो छोड़े आप, वो तो मुल्क के साबका वजीर आजम रहे ना, वो तो उनकी पार्टी बरतर इख्तियार तो नहीं है। आपके पास 5 साल है, आप उस पर फोकस करें, आप अपने जो काम है वो अपने वो करते रहे और करते चले जाए। आपके इलेक्शन के टाइम आपको जीत होगी तो जीत है, हार है तो हार है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या हो रहा है, आवाम पे एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है, एक उन पे जो दबाव बढ़ता जा रहा है वो एक मुश्किलात हो रही है। असल जो जो ग्राउंड रियलिटी पे आप जय बात करें ना, वो तो छोड़ दें, वो तो अभी तक 4 साल से तो चीखो पुकार हर चैनल पे यही होती है, वो आएंगे नहीं आएंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, यही सीरीज चल रही है। देखें मजे, देखें अच्छी बात, देखें क्या बुरी बात बोले, जो भी आपकी समझ में आती है कि अपोजिशन जो है ना हर 1-2 महीने के बाद लॉन्ग मार्च होगा, अब ये तो घर जाएगा, अब ये घर जाएगा तो वो खुद घर चले जाते हैं। अब देखें आप मुझे बता दें मौलवी जो क्या फजल रहमान है, अब आप देखें ना कि हुकूमत को कुछ नहीं मिल रहा कि अब है ना शहबाज शरीफ के लिए प्लान बनाया जा रहा है सारा, कि उन्हीं पे दबाव डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ के ऊपर हुकूमत डाल रही है कि आपने गारंटी ली थी, वारंटी ली थी नवाज शरीफ को वापिस लाने आने की, वापसी की आपने पेपर साइन किए थे, अगर वो नहीं वापिस आ रहा है तो इसके सजावार आप होंगे, अब आपको सजा दी जाएगी। अब देखें हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा तो अब इसके पीछे लग गए, अब ये हर टॉक शो में यही चीजें चल रही हैं कि भाई बताएं कि शहबाज शरीफ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, शहबाज शरीफ को क्यों पकड़ा जा रहा है। जी शहबाज शरीफ की इसमें वो हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है, हुकूमत को कोई अख्तियार नहीं है कि वो नहीं, श्योरिटी इट गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी जिस कोर्ट से भी वो गए। एक सेकेंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी, इन साहब ने जिन्होंने सैयद मशाहत हुसैन की बात की है ना, नथिन बाद मशाहत हुसैन, मशाहत हुसैन सैयद 20 ईयर यूनाइटेड स्टेट में रहा है और कुछ माह हमारा रूममेट भी रहा है और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का वो ग्रेजुएट है, इसको इनको क्या पता। इस वक्त वो तो उस वक्त वो उनकी शेखों की गुलामी कर रहे थे, इनके पाँव में हवाई चप्पल होती थी, एक शेख काम कहता था तो ये पाँव से जूता भी नहीं पहनाते थे तो वो भागे जाते थे वहां कुवैत में। इनको क्या पता सैयद मशाहत हुसैन कौन है। सैयद मशाहत हुसैन ने ये भी कहा था कि नून लीग की रीत है या 100 जूता खाओ या 100 कंडे खाओ, आनियन खाओ, कहता है उसने आनियन खाने शुरू कर दिए, वो नहीं खाए गए तो फिर बाद में 100 जूता भी उनको लगा। ये करतूत है इनकी नून लीग वालों की। ये क्या जानता है सैयद मशाहत हुसैन कौन है। उसका भाई आज भी यहाँ यूनाइटेड स्टेट में है और वाशिंगटन पोस्ट में लिखता है और पाकिस्तान पेपर में भी लिखता है। Talk about what you know nothing about the Shah hai Sayyid Mashahat hai। हाँ सेनेटर है वो, अभी भी है। एक दफा वो सेक्रेटरी स्टेट भी था मियां साहब का, जो छोड़ के भाग गया था, वो नून उसमें काफ लीग में चला गया था। नथिन बाद सैयद मशाहत हुसैन और बातें करते हैं ये बड़ी बड़ी आके। चलो मैं अभी इतना रहता हूँ, फिर आएंगे तो फिर जवाब दूंगा उनका। जी हेलो जी 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 हेलो जी 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 बोले। एक सेकंड आपसे बात करती हूँ, पहले पाकिस्तान से आप भी जाते रहे हमारी पाकिस्तानी सियासत। अरे पाकिस्तान से कॉलर है, उनकी बात ले लो छोटी सी। जी बोले जी जी मैम जी, ये है कि अब आप सूरत हाल देख रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही हैं कि इनके जो हमाद अदर साहब हैं या फवाद चौधरी। जी 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 जी, हत्ता के गवर्नर सिंध भी है, यानी कि इन्होंने ऐसे बंदे रखे हुए हैं। अब देखिए बात ये है कि मिनी बजट आया है, ठीक है, उसमें महंगाई बढ़ी है, ठीक है, मुल्क में बद अमनी है, मुल्क में करप्शन हो रही है, मुल्क में का निजाम जो है सारा खराब हो चुका है। इस पे बात करने की बजाय
आप मुझे ये बताएं, आप मुझसे नवाज शरीफ का पूछ रही थी ना, तो इनके जहनों पे कैसे सवार हो गया कि ये हर, अब इन्होंने कह दिया कि चार बंदे जो हैं वो हमसे मिल रहे हैं जी, दो बंदे तो नाम भी ले ले दो बंदों के जी, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ ना, बात करने की हुकूमत के लिए ये है कि भाई हमने बिजली क्यों महंगी की अभी चार रुपए, ठीक है, बात करने की ये है कि भाई हमने ये पेट्रोल क्यों महंगा किया है, ठीक है, बात तो इन इन चीजों पे बात होती है कि महंगाई कैसे होगी, जो चीजें 100 रुपए पे थी हमने उनको 300 रुपए पे कैसे कर दिया, बात तो ये करनी चाहिए इनको, इनको अपोजिशन से क्या लेना, अवाम इतनी परेशान है जिन्होंने इनको वोट दिए हैं, अगर ये अवाम के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर ये अवाम से कैसे तवक्को रख रहे हैं कि अवाम इनको दोबारा वोट देगी या अवाम इनको सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट तो वो लोग कर रहे हैं सिर्फ इनको जिनके दिलो दिमाग में एक ही जुनून आ चुका है कि उनको अपने अजीजों अकारब अपने चाहने वालों से कोई गरज नहीं है, उन्हें सिर्फ खान से गरज है, उन्हें किसी गरीब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस मुल्क से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो समझदार बंदा है जो इन चीजों को समझने वाला है कि इस बंदे से कुछ नहीं होगा, मुझे ये बताएं कि अगर फवाद चौधरी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठकर बताता कि भाई हमने पेट्रोल 4 रुपए जो महंगा किया है वो किस वजह से किया है, अगर ये बताते कि बिजली हमने जो 4 रुपए यूनिट महंगी की है दोबारा हमने मिनी बजट के बाद वो क्यों की है, तो फिर तो हम समझते कि यार ये मुल्क के साथ मुखलस है, अवाम के बारे में सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, अपने 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 आप को बचाने के लिए सिर्फ उन लोगों को लताड़ रहे हैं जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, भाई आप मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क को कुछ दे के जाए आप, खुदा का वास्ता आपको, आप ये और ऊट पटांग किस्म की बातें ना करें, इस वक्त मुल्क जो है वो बहुत ही खराब सूरत हाल से गुजर रहा है, आपने सत्यानाश कर दिया, आप बजट लेकर आए हैं, बजट में आपने कहा था कि दवाइयां नहीं महंगी होगी जी, पहले ही दवाई इतनी महंगी हो चुकी है मेडिसिन, अब आपके बजट के आने के बाद उससे ज्यादा महंगी हो गई है, आप पूछे तो सही किसी जाके मेडिकल स्टोर से, खुदा रहा आप जो है इस मुल्क का सोचे, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आप ये मान जाएं, अब आप जिद ना करें, और ये जिद अच्छी नहीं होती, जिद से घर का माहौल खराब हो जाता है, और वो माहौल आप खराब कर रहे हैं और दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, आप दूसरी जो ताकतें हैं वो आपको खराब करने के लिए मैदान में आ चुकी है। सही जी, हेलो जी, जी हेलो, जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, अभी आपके सवाल में सुन रहा हूँ, कई दफा आपने किया है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि जी, और शहबाज गिल ने भी, कि चार लोगों ने मुलाकात की है जी, अब उन्होंने दो के नाम लिए, फवाद चौधरी ने आज दो के नाम भी मेंशन कर दिए, वो भी आपने सुना, वो चारों के नाम ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल ही नहीं है जी, सवाल वो है जो कि DGISTR ने किया था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया अभी दो चार दिन पहले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये बातें हो रही है कि जो यानी कि लोगों की मुलाकातें हो रही, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं वो ये भी बता दे कि किससे हो रही हैं, किससे हो रही है, हाँ ये कहा था वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन कर रहा है, वो कह रहे हैं किससे हो रही है फौज के अंदर ये मुलाकातें या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के ये मुलाकातें, ये आप बता दें, वो बता दें, तो फवाद चौधरी में और शहबाज गिल में अगर इतना ही तप्पड़ है तो ये बता दें कि भाई किससे मुलाकात की है इन चारों ने, ठीक है, यानी कि आप ये देखें कि हुकूमत मुलाकातें खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाम बता दें कि किससे मुलाकातें हो रही हैं, जब इतना ज्यादा आके मीडिया पे शोर मचा रहे हैं कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, किसकी मुलाकात हो रही है, हो किससे रही है, इसकी भलाई, इसकी इस बात की इम्पोर्टेंस है जी, हुकूमत पाकिस्तान जो है सारी दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि हमारी जो फौज है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है जी, जी वो पसे पर्दा जो है गवर्नमेंट को कमजोर कर रही है, मैसेज क्या है, आप मैसेज देखें ना, मैसेज ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो साजिश कर रही है, ठीक है, यही मैसेज है, ये मैसेज तो यही है ना, जी 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 जी, तो अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं, अगर अपोजिशन ये बात करे तो हुकूमत नहीं है, जब आपके वज़रा आकर के ये कहें कि हमारे हाथ पे, हमारे सर पे हाथ है और ये अगर उतरा तो दूसरों की गर्दन पे जाएगा जी, ठीक है, ऑपोजिशन की गर्दन यही कहा ना उसने, एक रशीद ने कि हमारे सर पे अभी भी हाथ है और अगर ये उतरा तो दूसरे की गर्दन पे नहीं, ये कहा कि है ना शेख रशीद ने यही कहा है कि ये चाह रही है ऑपोजिशन चाह रही है कि इमरान खान पे जो हाथ रखा हुआ है वो हाथ इनके सर पे रख दिया जाए, पर इनके सर पे नहीं रखा जाएगा, इनकी गर्दन पे रखा जाएगा वो हाथ, ये कहा, ठीक है जी, ये मैसेज हुकूमत ने दिया, ये मैसेज दिया इंटरनेशनल ऑडियंस को, जी 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 जी, ठीक है, तो आपकी जमहूरियत पे सारी दुनिया में किसने इस बार करना है,
जब आपकी हुकूमत ऐसी बात कर रही है अपनी ही फौज के खिलाफ। जी मैं ये नहीं कह रहा कि फौज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल पाक साफ है, यकीनन वो कर रहे होंगे, मगर हुकूमत अगर ऑफिशियली ये बात शुरू कर दे तो कर क्या रहे, वो किसको दबाव में ला रहे हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के चक्कर में है। जी ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो जरा ये सवाल ये करना है कि यहाँ लोग आके बताएं कि भाई किससे बात हो रही है, उनका नाम बताएं जिससे बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, उसकी अहमियत इस सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह कि जी नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी और अपनी टाइमिंग से आएंगे। हाँ, ये आपने हमेशा कहा है। ठीक है, ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि मौजूदा गवर्नमेंट उनको वापस नहीं ला सकती, चाहे ये उल्टे लटक जाएं। ठीक है, तो जब उनको एक दफा ये अंदाजा हो गया कि ये काम हमसे हो नहीं सकता है, तो अब उसको उन्होंने ट्विस्ट करने के लिए जो है उसको जिंदा रखने के लिए जो इशू को है कि भाई एक तारीख और दूसरी तारीख और तीसरी तारीख मुस्लिम लीग वाले देते हैं, वो तो छुट्टियां ले रहे हैं इनकी, और जैसे ही वो छुट्टी लेते हैं ये सब उछल जाते हैं, इसलिए कि ये खुद तो कुछ अब कोई नहीं कहता कि हम उनको लेके आएंगे, वो कहते हैं कि भाई वो खुद आ जाएंगे, आ रहे हैं एक हफ्ते बाद और दस हफ्ते बाद या चार हफ्ते बाद। मियां साहब जब भी आएंगे जीरक इंसान है, वो अपना सिलसिला करके आएंगे, और वो मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी तय हो चुका है कि उमरान इसी हुकूमत जाने के बाद ही मियां साहब आएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। आपको इस पूरे सिलसिले से कोई नुकसान नहीं है अगर वो मुल्क से बाहर है तो। पहली बात तो यह है कि वो बाहर अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, हुकूमत ने उनको बाहर भेजा है, और हुकूमत कहती है कि अगर वो अपनी मर्जी से चले गए तो कैसी हुकूमत है जिसको जिसपे जिसको इतना भी पता नहीं था कि ये जा रहे हैं हमें धोखा दे करके। ठीक है, तो ये यानी इस किसी लायानी बातें हैं कि चले पहले दो तीन साल तो आवाम ने बर्दाश्त कर लिया कि भाई पिछले जोर थे, पिछलों ने ये किया ये किया ये किया, अब जो है अब बात खत्म हो गई है, अब इस मौजू को जिंदा नहीं रखा जा सकता, अब बात यहाँ से शुरू होगी कि अगले जो पिछले तीन साल है आपने क्या किए और अगले जो आपके डेढ़ साल या दो साल रह गए उसमें आप उसमें क्या आप क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। ठीक, कारकर्दगी है वो सिफर है, जो आइंदा कारकर्दगी है वो भी सिफर है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। हेलो जी, जी हेलो, हेलो जी, हेलो जी, जी हाँ जी, एक सेकंड मैं इनसे बात कर लूं। जी हेलो जी, जी सलाम अलैकुम। वो कह रहे हैं वो आएंगे इमरान खान के बाद आएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, इसका मतलब ये भी झूठ बोल रहा है, और वो कैदी तो झूठ बोलते ही है कि वो तो क्या था प्लेट लेने, वो तो क्या था ऑपरेशन कराने, वो तो क्या था इलाज कराने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस दिन आएंगे उस दिन आएंगे, वो तो लाइलाज है उसकी, तो बीमारी लाइलाज है। तो बात ये कि पहले ये सोच रहे हैं कि वो झूठ बोल के गया था या सच बोल के, दूसरी बात ये जवाब दे के इलाज कराए बगैर आएगा या इलाज करा के आएगा, तो आप खुद झूठ को सच सच को झूठ मिला रहे हैं, वो तो प्लेट लेने गया हुआ था। दूसरी बात, बड़े हमदर्द है नवाज शरीफ, आप बोला करें वो कैदी है, वो क्यों नहीं आएगा, उसको घसीट के लाया जाएगा वक्त आने पे, इमरान खान को पता है कब घसीट के लाया जाएगा, जैसे कह रहे हैं ना कि उनको पता है अपनी मर्जी से आएंगे, इमरान खान को पता है कि वो टाइम आएगा इसको घसीट के लाया जाएगा, तो किसी भी कैदी को प्रमोट ना करें, सबसे बेस्ट ये अगर प्रमोट करें तो जेल के दरवाजे खोल दे और उजैर बलोच के भी दरवाजे खोल दे, बोले कि तुम भी बाहर जाओ इलाज कराने। थैंक यू सो मच जी। जी जी बोले जी 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 हेलो हाँ जी हाँ जी 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 बात यह है कि मैंने मुशाहिद हुसैन के बारे में बात की थी, अगर आपके पास मुशाहिद हुसैन के बारे में इल्म हो तो आप उसके ऊपर तनकीद करें, जातियात के ऊपर किस लिए आते हैं, मैंने कोई जो है $10 का शजरा नसब अपना छुपवा के US डॉलर पे करके ने अपना वाशिंगटन DC से प्रिंट करवा के अपने माथे पे सजा के कोई फन्ने खान में अपने आप को नहीं बना रहा, मैं जो बात करता हूँ अपने इल्म के हिसाब से करता हूँ। मुशाहिद हुसैन जो है वो 1978 से पाकिस्तान में है, ये 1953 में पैदा हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है कि 20 साल अमेरिका में रहा, जब अमेरिका को छोड़ के आया था, जब पढ़ने गया था सिर्फ डिग्री लेने गया था, तो उसके बाद उसकी उम्र 25 साल थी, मतलब है लोग जो है ना झूठ बोलकर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं और जातियात के ऊपर आ जाते हैं, तो जातियात के ऊपर आने के बजाय अगर इल्म ना हो तो मैं जरा वजाहत कर दूं कि 1978 में मुशाहिद हुसैन ने आके पाकिस्तान में फॉरन सर्विस में जॉब की,
उसके बाद किसी जलसे में इसने रैली से साफ गा दिया, इसके ऊपर इसको वो हजाब से निकाल दिया गया। 1982 में ये फिर जो है अपना मुस्लिम अखबार इस्लामाबाद से जपता था, मेरी उससे मुलाकात भी हुई उस दौर में, तो ये उसका एडिटर था। उसके बाद 2-3 साल एडिटर रहा, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में रहा, सारी उम्र वो पाकिस्तान में रहा। तो झूठ बोलने से पहले, दूसरों को शर्म दिलाने से पहले वो झूठ बोलने से करते बोलते होकर शर्म कर दिया करें, और जातियात के ऊपर ना आया करें, जो इशू है उसके ऊपर बात किया करें। अच्छा, अब बात करते हैं, बात ये है कि सख्त हालात क्यों होंगे, कि बात यह है कि जब हुक्मरान अकल और शऊर से गिर जाए तो मुल्क की इकानमी को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, और जब मुल्क की इकानमी गिर जाती है तो हालात जो है वो आवाम के लिए मजीद सख्त हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी जी, पाकिस्तान की सियासत में हर चीज मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो प्रोपेगेंडा ये हो रहा है उससे मुलाकात हो रही है, उससे हो रही है, इससे इसमें कोई ऐसी कोई पुख्तगी या कोई ऐसी चीज नजर, एविडेंस नजर नहीं आ रहे है ना, ये सुनी सुनाई हो रही है अभी तो। अगर आपने किसी से मुलाकात की तो आपने क्यों प्रेस मीडिया वगैरह को नहीं इन्वाइट नहीं किया? अभी ये ना सवाल उनका यही है ना कि बताएं कि मुलाकात हो किससे रही है, अभी सिर्फ शोर मच रहा है कि मुलाकात हो रही है, भाई किससे हो रही है? सवाल वैसे बिल्कुल सही है कि ये तो बता दें आके किससे हो रही है, अगर कॉलर जानते हैं या कोई भी जानता है। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस क्लब में होती है, देखिये आप ये सोचिए कि ये सवाल किसी एंकर सुन रहे हैं कि मुलाकातें हो रही है, खुफिया मुलाकातें हो रही है, नाम बता दिए, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, इनकी मुलाकातें हो रही है, बगावत शुरू होगी मुस्लिम नून लीग में, अब कौन वजीर आजम बनेगा, शायद नवाज शरीफ को भी अभी खदशा है अपनी पार्टी से कि कौन नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। जी हमने मुलाकात की है, जी भी तो कह सकते हैं ना भाई, जी हमने इनसे मुलाकात की है, ये तो अभी सुनी सुनाई है कि फलाने एंकर ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, लेकिन आपने प्रेस को इनवाइट तो नहीं किया था ना कि तो मुलाकात हुई है खाकान अब्बासी से हो रही है या दूसरे उनके नून के मेंबर है उनसे हो रही है। इसमें प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता, इसमें कोई ऐसी कोई पक्की वो बात नहीं है, सुनी पक्की खबर नहीं है, जी पक्की खबर नहीं है ना। देखिए अगर आप इसको पक्की खबर जब कहेंगे ना, कोई आपका वीडियो क्लिप चल गया कि जी वो खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं गिल से कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं, फवाद चौधरी से कर रहे हैं या फवाद या इनके मेंबर नून के लोगों से कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में आती है बात? अब ये छुप छुप से अगर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अवाम इस पे क्या भरोसा करे? ये तो आप सुनी सुनाई तो बात हो रही है, प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अवाम क्या किस तरफ जाए। अवाम की तरफ भी देखे ना, इस चीज को छोड़ दें कि भाई अब अपने आने वाला एक साल है जो भी है उस पर तवज्जो दें, वो उसको छोड़े, वो आएगा नहीं आएगा, जब आएगा जब देखी जाएगी, इलेक्शन आ जाएंगे, जो जीतेगा वो लेके आएगा, नहीं लेके आएगा वो जिम्मेदार है। इस वक्त हुकूमती सतह पे पूरी माशियत का अपना वो देखें कि माशी हाल क्या बदहाल होता जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है सारी महंगाई की। और हकीकतन ये तो एक चीज तो है कि देखिये पहली चीज 100 की मिलती थी, इस वक्त अगर वो 300 की मिल रही है तो उसमें क्या वजूहत है? सिर्फ यही कह देना पक्का नहीं है कि हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है, हमें इंपोर्ट में हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, डॉलर 150 अगर 100 का था तो 180 पे है या 175 पे, ये सारी चीजें कैलकुलेटेड हैं ये। आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। जी हेलो, जी मुझे बस एक सवाल समझना था, अभी एक साहब फरमा रहे थे कि सुनी सुनाई बातें हैं कि मुलाकातें हो रही या नहीं हो रही, यही उन्होंने शायद फरमाया जी। फवाद चौधरी तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई मुलाकात हुई है, नाम खुफिया मुलाकात कहाँ से होगी, मतलब हाउ कम दिस इज सुनी सुनाई, इसकी तस्दीक नहीं हो सकती है तो एक अलग बात है, मगर एक आदमी अगर अपने मुंह से आकर के कहे आपके सामने कि भाई ऐसा हुआ है तो ये सुनी सुनाई, तो अगर उसने ये कहा तो कि हाँ मैंने ये बात सुनी है और ये मैं कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि नहीं ये हुई है और ये चार आदमी है जो जा रही है, दो आदमी जितने भी नाम उसने बताए मिले हैं जा करके, करेक्ट? तो दिस इज नॉट सुनी सुनाई, दिस इज समबडी हु हैज सेड एज अ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड। तो सुनी सुनाई में और इसमें तब्दीली तफरीक करने की जरूरत है, मैं तो इंतजार में हूँ कि वो ये बताए कि हुई किससे है, हुई किससे, ये तो पाकिस्तान के मीडिया भी नहीं बता रहा बैठ के कि किससे मुलाकातें हुई, सिर्फ एक शोर मचाया हुआ है। वो तो हुकूमत है जी,
हुकूमत को तो बताना चाहिए कि बताना चाहिए ना, हुकूमत सिर्फ ये शोर मचा रही है कि मुलाकातें खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, पर नाम किसी का भी मेंशन नहीं हो रहा कि किससे मुलाकातें हो रही हैं। ये बात आपने सही पूछा सवाल कि बताएं कि किससे मुलाकातें हो रही हैं, आप लोग बताएं अंदर खाने की बातें। लोग आते हैं यहाँ पे बताते हैं ना कि हमें तो बहुत पहले से आके चीजें बताना शुरू कर देते हैं। देखें आ गए कॉलर बताने के लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कॉलर ने आपसे सवाल किया है, मैं आपसे नहीं तमाम लोगों से सवाल किया, देखने और सुनने वालों को। अगर किसी के भी जहन में है कि मुलाकातें हो रही हैं, इल्जाम लगा रही है हुकूमत, तो आप बताएं कि किससे मुलाकातें हो रही हैं। अगर किसको भी ये पता है तो जरूर आके बताएं। जी भाई, बात ये है कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी बताएं। मेरा कहना ये है जी कि अगर किसी ने मुलाकात करी है, जी अगर किसी ने मुलाकात करी है जी, तो वो भी गलत है जी। और अगर किसी से मुलाकात हुई है तो जिनसे मुलाकात हुई है वो उससे भी ज्यादा गलत है। ना मुलाकात करनी चाहिए थी, ना मुलाकात होनी चाहिए थी जी। यही पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बुराई है। जो बुराई की जड़ है ना, वो यही है। इस जड़ को जब तक काट के फेंकेंगे नहीं, ये सियासत और पाकिस्तान कभी सही होगा नहीं। ये होते कौन है मुलाकात करने वाले, इनका क्या काम है सियासत से, इन्होंने क्यों मुलाकात करी अगर की है तो जी। और अगर किसी ने जाके उनसे मुलाकात करी है तो क्यों गए थे उनके पास। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुराई है। इस बुराई को जब से जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, इसके लिए हमें आवाम को, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो सवाल करना चाहिए। ये बात नहीं करनी चाहिए कि किससे मुलाकात हुई और क्यों हुई। अगर फवाद चौधरी ने आके ये बात कही है कि किसी ने मुलाकात करी है, तो मैं उनसे ये सवाल ही नहीं करूंगा, मैं उनसे ये कहूंगा कि हिम्मत कैसे हुई किसी की मुलाकात हो, और वो कौन लोग है, क्यों मुलाकात करते हैं, उनकी कैसे हिम्मत हुई। सवाल ये आवाम को करना चाहिए अगर पाकिस्तान को सही करना है। और अगर ऐसे ही चलाना है, धक्का देना है, तो फिर देते रहो धक्का, कुछ सही नहीं होने वाला। भाई बात ये है कि आप देखो, अभी इतनी देर से मैं बात सुन रहा था जी। वो कहता है नवाज शरीफ, वो कहता है इमरान खान, कोई यार कारकर्दगी जीरो है इमरान खान की। ये मानने में क्या इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब आवाम पढ़ी लिखी है, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़हनी तौर पे शोर रखते हैं। कारकर्दगी सिर्फ कहने से थोड़ी हो जाती कि यूं हो जाएगा जनाब, वो हो जाएगा। जी 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 जी। हुआ क्या है अब तक क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि जो भी गवर्नमेंट आ जाए, इमरान खान आ जाए या वो 2028 या 2050 तक रहे, जब तक आप चीजों को सही, जो बुनियाद है जिस बुराई की या जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सही नहीं करोगे, आप आगे जा कैसे सकते हो। सिर्फ बातों से आगे जाना है। अगर बातों से आगे जाना होता तो अभी हम अमेरिका से आगे सुपर पावर होते, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि भाई जो असल मसाइल है उस पर आवाम का फोकस, हमारा और आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और हमें अपनी फॉरवर्ड ब्लॉग या जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े सूबे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको रूल करना नामुमकिन है। आप देखिए पाकिस्तान में जो मसाइल है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल है। अभी साले मरी में क्या हुआ, सारे एडमिनिस्ट्रेटर फारिग हो गए, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर ये वो सारे। तो मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के है। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल इसलिए कि सूबे बड़े बड़े हैं, 10 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का एक सूबा है, आप उसको मैनेज कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब आपने कहा था जब आप गवर्नमेंट ले क्या, आपने कहा सरायकी सूबा बना देंगे हम, 3.5 साल 4 साल होने गए, कहाँ गया वो सरायकी सूबा। जी भाई पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान को 10 से 12 सूबे में डिवाइड करें और नेचुरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाए आप। कोई मजाका नहीं है सेंट्रल पंजाब सूबा, सरायकी सूबा, भावलपुर सूबा, पोटोहार सूबा, गिलगत बल्तिस्तान सूबा, हजारा सूबा, इसमें मजाका है। सिंध सूबा, मशरकी सिंध, सुमाली सिंध, जनूबी सिंध, जनूबी पश्तूनख्वा, कुछ भी बनाए यार आप छोटे छोटे सूबे बनाए। और की जो है वो बल्दियाती गवर्नमेंट है। देखिए हम तो सारे अपने मसाइल को हमने मिक्स कर दिए। जी हमारे जो बल्दियाती सतह के मसाइल है हम चाहते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट आके हल करे। तो फेडरल गवर्नमेंट इस बात की पाबंद हो कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। काउंसलर यार आम आदमी का प्रॉब्लम होता है कि पानी की लाइन, गटर की लाइन, पानी नहीं आ रहा है, ये यार कोई काउंसलर ही नहीं है, कोई मेयर नहीं है। दुनिया भर में पुलिस जो है मेयर के अंडर में होती है, जवाबदेह होती है लोगों को।
हमारे पाकिस्तान का निजाम उल्टा है, हम कहते हैं नहीं हम तो यही निजाम चलाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आधा पाकिस्तान इंग्लिश मीडियम है और आधा पाकिस्तान उर्दू मीडियम है जी। जापान ने क्या इंग्लिश में तरक्की करी, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने, यू नेम इट, हर कोई अपनी जुबान में तरक्की, चाइना ने, रशिया ने, अमेरिका ने, चाइना तो देखे, चाइना तो देखे शर्म भी नहीं करता। यहाँ पे भी अगर आप चाइना से बात करें तो वो अपनी लैंग्वेज, वो अपने वर्कर भी अपनी लैंग्वेज वाले वर्कर रखते हैं, उनको इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती। आपको कितना इशारों से कितना समझाना पड़ता है, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं ग्रोसरी जो बनाते हैं, अपने स्टोर बनाते हैं, कितने बड़े बड़े, कितने कामयाब है चाइना। देखे चाइना की हर चीज आती है जी दुनिया में जी, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में चलती है। आप इंग्लिश मीडियम, किसको इंग्लिश आती है पाकिस्तान में जी? 70% पाकिस्तान को इंग्लिश नहीं आती, सारा निजाम, गवर्नमेंट का निजाम, जस्टिस का निजाम, सारा कुछ इंग्लिश में है जी, ठीक है ना जी। आधा पाकिस्तान को इंग्लिश आती नहीं है। मैं बहुत सारे बात कहूंगा तो लोगों को गलत लग जाएगी, एक एक पेज इंग्लिश का पढ़ने जी नहीं सकते, वो पता नहीं कौन कौन से। आप मेरिट बनाओ यार, आप मेरिट सिस्टम बनाओ, ये नहीं देखो कौन है, ये देखो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरिट पे आया उसको लगाएं, मेरिट पे लगाओ। सही कह रहे हैं आप, मेरिट पे लगाएं, यकीन करें नई जनरेशन को लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आए, ये नहीं कि सियासत जो है ना जी, सियासत बराए सियासत नहीं, सियासत बराए खिदमत, खिदमत कोई ना कोई लाइन तो तय करनी होगी कभी ना कभी, और आज नहीं करा तो कभी भी नहीं होगा। कभी यहाँ के लोग कहते हैं कि जी उससे मुलाकात हो गई, उससे मुलाकात, अरे क्यों हो गई यार मुलाकात, कौन है ये लोग मुलाकात करने वाले, इनकी हैसियत क्या है, इनके सियासत में क्या किरदार है, क्यों मुलाकात करते हैं, हमारा सवाल ये बनता है आप किस हैसियत में मिले लोगों से, आप आपने खुद आके क्यों नहीं कहा कि ये लोग हमसे मिलने आए थे, हमने मना कर दिया कि सियासत हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमें सियासत से दूर रखो। जब इन पे शोर मचा था तो आपने देखा था कि इन लोगों ने कहा था कि हमें इससे दूर रखो, और अभी जो शोर मच रहा है पूरे मीडिया पे 2-3 दिन से हो रहा है, यही चीजें हो रहा है, तो क्यों इस बात के खिलाफ हूँ। मेरा सवाल यही है, अगर कोई मुझे सुन रहा है, पाकिस्तान में सुन रहा है, जापान में सुन रहा है, दुनिया में सुन रहा है, मेरा सवाल ये है कि जो मुलाकात कर रहे हैं वो किस हैसियत में मुलाकात कर रहे हैं, उनका आईनी आईनी किरदार क्या है, मुलाकात करने के काबिल है, उनको किसने इम्पावर कराया कि वो सियासतदानों से मुलाकात करें, और ये कब रुकेंगे मुलाकात करना, ये पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई है, ये कब रुकेंगे पाकिस्तान को गड्ढे में ले जाने के लिए, तो मेरा ये सवाल है। थैंक यू सो मच, मैंने कॉल लंबी कर दी, आई एम सो सॉरी। चले जी कोई बात नहीं जी। हेलो जी, हर कोई कॉलर चाहता है कि मेरी बात सुन ले जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मासूमियत से ये बोल रहे हैं मैरिट पे होनी चाहिए। तो वो कौन सी मैरिट है मरियम कैदी की, इनसे पूछे पहले, ऊपर से ही आप सही करें ना, कौन सा हादसाती चेयरमैन का कौन सा मैरिट है, कायम अली शाह का कौन सा मैरिट था 11 साल रहा, मुराद अली शाह का कौन सा मैरिट है। तो भाई हम मैरिट नहीं है, मौरूसियत से आते हैं, ये बार बार ये एक बात करते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के निजाम को नहीं समझ रहे, और वो बार बार सवाल कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि वो मिले क्यों, किससे मिले, वो दिन भूल गए कि जियाउल हक लेके आया था और जिलानी इसको फीडर पिलाता था, वो दिन को भी याद रखे, ये अपना सरदारी 11 साल जेल से निकला और सदर बन गया, तो इन लोगों ने अपने पेट भर लिए, अपने मजा ले लिए, जब इमरान खान आया तो इमरान खान को नॉक कर रहे हैं, तो पहले मजे पूरे ले लिए, मैफेयर में अपार्टमेंट ले लिए, टप्पर को सेट कर लिया, अब इनको मैरिट याद आ रहा है। अगर आज भी मैरिट याद आ रहा है तो हादसाती चेयरमैन को हटाए, बोले इलेक्शन से आओ, और मरियम कैदी को हटाए कि तू तो वो कैदी है, तू कहाँ से नायब सदर बनी हुई है, तो ये माइंडसेट बदले और मैरिट पहले पार्टी में लेके आए। थैंक यू सो मच जी जनाब जी। जी समीना जी, तो बस मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि सवाल हुआ कि जी मिलना ही नहीं चाहिए था, अभी मैंने एक मौका सुना है which is principally totally correct, ऐसा हो जी जी जी, मिलना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने ये कहा जी। ये बात जो है उसूलन बिल्कुल सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर जो पाकिस्तान की तारीख है हमें पता है कि ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। How do we stop it? The question is not कि principally कौन सी बात सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, How do we stop it? Correct? That is the main point that we have to. We need to know. This is why we need to know so that we can name and shame. What did Mia Nawaz Sharif done differently this time? Because he named and shamed. यानी उसने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का नाम लेके उनको नेम एंड शेम किया है जी।
जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत हमें रिट्रीट नजर आती है एस्टेब्लिशमेंट की, वो इसी वजह से है। तो प्रिंसिपली ये साहब जो फरमा रहे थे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाउ डू वी स्टॉप इट? वी हैव टू नेम एंड शेम देम। जी 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 जी। टू डू दिस अगेन, दे शुड नॉट डू दिस अगेन। तो ये वो मुकाम आ गया पाकिस्तान का कि अब ओपनली हर का नाम लेकर के उसको शेम दिलाई जाए कि ये तुम कर क्या रहे हो। और जहां तक उसूलन है, हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। सही जी जनाब जी, जी बोले। हाँ जी, हाँ जी। बात यह है कि मुझे पता था, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इमरान खान को लंगर खानों के साथ क्या खुलना चाहिए। वही पहले ले लिया के मरीज, वही आके कैदी, ये वो जाके दूसरों के अल्फाज को पकड़ के उसके ऊपर आके अपना तनकीद करते हैं और वही चार पांच लफ्ज अपना रिपीट करते हैं जो पिछले चार साल से कर रहे हैं। आपने जो मौजूद दिया उसके ऊपर एक बात नहीं की। अच्छा, बात यह है कि हुकूमत के ये जितने वजीर हैं जो जितना शोर पर गुंडा कर रहे हैं, जब ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, जब एक वजीर कहता है कि नवाज शरीफ इज डन, तो फिर इनको इस बात का खौफ क्या है कि नवाज शरीफ कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किससे मिल रहा है और किससे नहीं मिल रहा है? जब आप कहते हैं कि उसकी सियासत खत्म हो गई है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ आज भी जो है उसी तरह पॉपुलर है, बल्कि उससे ज्यादा पॉपुलर है कि जब इकतदार में था। और आप जो है वो आवाम की ताकत से नहीं आए हुए हैं, इसलिए जो जिस बंदे के पीछे आवाम की ताकत है आप उससे डरते हैं। फिर कहा गया जी कि वो कब आएगा, कब आएगा? भाई वो आएगा, वो दवाई लेने गया था, कहा जाता है दवाई लेने गया था, वाकई वो दवाई लेने गया था, लेकिन वो अब आ रहा है, इंजेक्शन लेके आ रहा है, उन सब के लिए इंजेक्शन लेके आ रहा है जिनको ज्यादा शोर आते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जी हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो, आपकी लाइन नहीं कनेक्ट हुई, दो लोगों की कॉलें थी, नहीं आ रहे। जी हेलो जी, जी जी, ये आपने देखा आज टॉपिक ही नहीं है नवाज शरीफ का, बेरंग की रागनी हम सुन रहे हैं। भाई नवाज शरीफ को क्यों भूल जाए, वो चोरी करके गया है। एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। एक सेकंड मैं दोबारा कॉल करता हूँ। ओके जी, हेलो जी जी, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ को क्यों भूल जाए, वो अदालत को वांटेड है। एक सेकंड, भूल जाए ना उधर बलोच को। अच्छा एक सेकंड, एक कॉलर कॉल कर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड करना, इनका मैसेज ले लूं पूरा, फिर आपसे लेती हूँ, होल्ड पे रहे। जी बोले। अरे वो ड्रॉप हो गए। जी बोले। हाँ कह रहे हैं आप नवाज शरीफ को क्यों भूल जाए। हाँ क्यों भूल जाए, अदालत से वांटेड है, मैंने कहा ना फिर जेल के दरवाजे खोल दो, उजैर बलोच को भी रास्ता दिखा दो। आपको पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी कैदी किसी मुल्क में फरार कैसे है और क्यों भूल जाए। हमारे पैसे से वेलफेयर अपार्टमेंट बनाए, अपने पैसे से नहीं बनाया उसने, हमारे पैसों से दुनिया घूमता रहा है, हमारे पैसे से उसका घर का खर्च चलता रहा है, तो ये आसान नहीं है भूल जाए। अगर भूल जाए तो जेल के दरवाजे खोले, उसकी मर्जी कुछ भी हो, लेकिन वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो इश्तेहारी है, मफरूर है, वो अदालत पे वांटेड है। तो बेरंग की रागनी से अच्छा है काम की बात करे, किसी का वक्त जाया नहीं करे और टॉपिक पे बात करे, नवाज शरीफ टॉपिक नहीं है। थैंक यू जी। हेलो जी जी, 50 की मेरी पैदाइश है, 50 की मियां साहब की पैदाइश है, मेरी अगस्त की है और मियां साहब की दिसंबर की है। अच्छा एक सेकंड, आपकी पैदाइश के बारे में डिस्कस करते हैं, जरा इनसे पूछे। जी हेलो जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, मेरी तरफ से आपको भी तमाम कॉलर्स को बहुत बहुत सलाम। मैं एक आपके कॉलर ने अभी कहा था कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरी कॉल बहुत लंबी हो गई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कॉल बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, सब लोगों ने सुनी और एंजॉय की। आपके जैसे ही कॉलर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बना रखा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉल थी। मैं लियाकत साहब से आज एक माजरत से एक बात पूछना चाहता हूँ, उनकी महाराना राय चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर। कि देखिए जो नवाज शरीफ है वो तो पाकिस्तान से चल, अब मैं लव्ज यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट यूज नहीं करना चाहता, मैं टीम यहाँ पे लव्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ की जो टीम थी उसने उसे मशवरा दिया या जैसे भी हालात पैदा किए उन्होंने उसको मुल्क से बाहर जाने में हेल्प की और वो चले गए। नवाज शरीफ ने ये बात साबित कर दी कि वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन आदमी था और है। अच्छा अब ये बात यहाँ पे खत्म।
अब आ जाते हैं इमरान खान साहब पर। बहुत इज्जत से मैं इमरान खान साहब के लिए बात कर रहा हूँ कि देखिए ये क्रिकेट का मैच नहीं है। अब आप मुल्क के बतीरे आता जी, क्रिकेट मैच में अगर किसी से फील्डिंग थोड़ी वीक हो जाती थी तो लोग उसको माँ बहन की आज दे देते थे और लोग सुनते थे क्योंकि वो एक क्रिकेट मैच। अब मसला है मुल्क का, तो लियाकत साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या उनकी टीम जो है उनकी अच्छी तरह से मदद नहीं कर रही, जैसे कि नवाज शरीफ की टीम ने उसकी मदद की। क्या इनमें ये सलाहियत नहीं है कि टीम से हेल्प कैसे ले, क्योंकि ये भी तो आप में फन होना चाहिए ना कि आप अपनी टीम से मदद कैसे लें जी। तीसरा सवाल ये है कि क्या टीम चाहती ही नहीं है उनकी मदद करनी और उन्होंने इनको अकेला छोड़ा हुआ है ताकि ये नाकाम हो जाए। चौथी बात ये है कि एक तो हमारे वजीर आजम साहब को एक गलत फहमी है कि उनका निमुल बदल नहीं है, और फिर एक बात इनमें ये भी है कि ये किसी की बात मानते नहीं है, हमेशा अपनी बात मनवाते हैं। तो क्या जो है इन बातों की वजह से नाराज है, जो नाराजगी वो जाहिर नहीं करते लेकिन अंदर से नाराज है। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रोशनी डालें, उनकी महाराणा राय का इंतजार करेंगे हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने दो तीन कॉलर को होल्ड पे डाला पर वो होल्ड पे रह के ड्रॉप हो गए। नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि वो वापस आए, मैंने इनको होल्ड पे डाला था वो ड्रॉप हो गए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का माइंडसेट देखे, वो कैदी को अप्रिशिएट कर रहा है, कह रहा है कि उनकी टीम थी जो झूठ बोल के उनको मुल्क से निकाला। आप माइंडसेट देखे बुजुर्गों का कि झूठ बोल के गया अप्रिशिएट, वो स्ट्रांग था अप्रिशिएट, और कह रहे हैं कि टीम इस काबिल नहीं है इमरान खान की। भाई वो गलत काम क्यों करे इमरान खान, तो गलत कैदी को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है माइंडसेट कब खत्म होगा कि जब अदालत ने कहा है कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए कि 10 दफा का वजीर आजम है लेकिन ये तो कैदी है। तो इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए और कभी नहीं बोलना चाहिए उनकी टीम ने उनको भेजा, टीम ने तो गलत भेजा, झूठ बोल के भेजा, 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंक के भेजा, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये माइंडसेट है। थैंक यू सो मच जी। जी हेलो जी। जी जी, सलाम वालेकुम। शाह साहब आ गए, इन्होंने फिर मेरी कॉल पर जवाब देना शुरू कर दिया। अरे शाहिद साहब, आपको मेरी बात भी समझ में नहीं आई है, तो इसमें तो मेरा कसूर नहीं है ना। मैंने तो लफ्ज बोला कि टीम, अब टीम ने अच्छा किया या बुरा किया वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उनकी मदद टीम ने की तो उनको बाहर निकाला। आप बात को पहले समझा तो करें कि बात क्या हो रही है। इनकी इमरान खान साहब की टीम क्यों मदद नहीं कर रही, आप बात समझते नहीं है और आप आके जवाब देना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी 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 जी, बोले जी। जिनको अता की थी हमने कुव्वत गुफ्तार, उनको जुबान मिली तो उन्हीं पे बरस पड़े। चंद रोज पहले मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे बेवक्ती रागवी, ये पहले ले लिया के मरीज जो है इन अल्फाज को नकल करने की कोशिश तो की मगर नकल के लिए अकल भी इस्तेमाल नहीं करते, हर रोज आके बेर रंग की रागनी कहते हैं। वो भाई तीसरी जमात से आप निकल जाएं, आप ग्रे डकले में चले जाएं, आप बेरंग की रागनी नहीं होती, बेवक्ती रागनी होती है। और वही अपना फिर अपना मरीज अपना अपना बन के वही अल्फाज ना दोहराए, कोई अपना मौजू के ऊपर बात करें। मैंने बाकी नवाज शरीफ जो है मौजू नहीं था, लेकिन आप जी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने नवाज शरीफ के बारे में बात की थी। तो इसलिए जरा कान भी साफ करा लें कि समीना ने जो बातें की थी वो पहले उनको सुन लिया करें और फिर मेरा जवाब भी सुन लिया करें। थैंक यू जी जनाब। जी जी जी, भाई बात ये है कि 3 ईयर में और 35 ईयर में बहुत डिफरेंट होता है। इन्होंने सबसे पहले आके अदारों को तबाह किया, इन्होंने अपने लोग लगवाए हैं वहां पे जो इनकी फेवर करते थे, ये सारी चीजें रैकेट पे है, मतलब कयूम से शुरू हो जाए तो सारे जजों की तरफ इन्होंने वो अदारा ही तबाह कर दिया। पहले जब हम बच्चे होते थे, आप मैं को 10 साल बड़ा होऊंगा आपसे, आपको भी पता है, सैयद साहब को भी पता है, वो दूसरे जो भाई साहब बात करते हैं उनको भी पता है, हम ये सब ग्रुप है एक एज का। तो इन्होंने सारे अदारे खत्म किए,
फिर हर चीज करके गवर्नमेंट मिलिट्री वालों की हेल्प लेते 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 ये यहाँ तक पहुंच गए। अब इन्होंने पाकिस्तान का तबाह कर दिया, जो पैसा था वो सारा अपने बच्चों के नाम। और मरियम ने कितनी दफा सच बोला मुझे बता दे, सब कुछ रैकेट पे है, मेरी तो प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं। गवर्नमेंट ने, अदालत ने कागज मांगे उनसे, उन्होंने एक पेपर तक नहीं दिया। आपने यहाँ घर खरीदा है, वो भाई साहब अगले दिन भी कह रहे थे कि मैंने घर खरीदा है, आई गारंटी यू दैट ही हैव एवरी रिसीट जो उन्होंने घर खरीदा है। ये एक तो जाके दिखा दे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 20 करोड़ अवाम की 200 ऐसे करके उनके बच्चों का रिस्क छीन के तुम जाके अपने बच्चों को दे देते हो। आज इमरान कहे कि आपके सारे केस खत्म है, जितना पैसा आपने लूटा ये आपका है, मियां साहब छलांगे लगाते हुए बाकी आ जाएंगे यहाँ। दैट्स सो सिंपल। 3 ईयर वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, जो जो उसको नहीं पसंद आ रहा वो अदलिया भी ठीक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज का एक टाइम होता है। 3 ईयर, 3.5 ईयर में तो हमें पहला रेज नहीं मिलता यहाँ पे। 3 ईयर का अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के पास काम करें तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 3 साल में आपको बात नहीं करेगा रेज देने के लिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। फिर इसको 5 साल दें, देखते हैं क्या करता है। पर इट्स नॉट डिफरेंट विद 35 ईयर टू 3 ईयर। आई होप ही अंडरस्टैंड एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, इफ आई डोंट सो सॉरी। ओके जी, हेलो जी 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 जी। अभी ये कहा गया कि टीम ने भेजा है, और ये कहा गया कि आज भी कैदी नवाज शरीफ सबसे स्ट्रांग है, इसका मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि स्ट्रांग है। यही मैंने कहा कि कैदी को अप्रिशिएट नहीं करें, कैदी को वही दर्जा दें जो उजैर बलोच का है, जो चप्पल चोर का है, जो साइकिल चोर का है। तो ये कोई अच्छी टीम नहीं है, वो धोखा देने वाले को अच्छी टीम नहीं बोलते हैं। तो आपने कहा ना कि इनके पास टीम नहीं है, वाकई धोखा देने की इमरान खान के पास टीम नहीं है। और दूसरा, तोता मैना की कहानी हमने सुनी अभी, बड़ी इंटरेस्टिंग, कोई मौजू ही नहीं है ये, उन्होंने क्या बात की है ये इन्हीं को पता है। कोई मौजू पे बात करें जो मौजू है। थैंक यू सो मच। चले जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाजी, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। देखिए, हर कॉलर को मैं चाहती हूँ कि मौका दूं। कुछ कॉलर होल्ड पे रहते हैं बेचारे, और होल्ड पे रहने के बाद ड्रॉप हो जाते हैं। वो सोचते हैं शायद हमें तो एयर कराया ही नहीं जाएगा। भाई मैं एयर जरूर करती हूँ, हर एक को करती हूँ। जाहिर जब प्रोग्राम ही कॉलर का है तो मैं कॉलर को ही लेके चलूंगी ना। मैं ये तो नहीं कि अपने आप बैठी हुई खुद बात करती रहूं, या किसी तजिया निगार को मैंने लेके बैठी हूँ तो बात करूंगी। आप लोग थोड़ा नाराज ना हुआ करें, सबको ही एयर किया जाता है, थोड़ा सा सबर क्या करें। आप लोग होल्ड पे रहते हैं, मुझे पता होता है कि आप होल्ड पर हैं और आपको एयर करना है, और मैं करती भी हूं एयर, आपको ये पता ही है। जी जी जी, हेलो जी जी, हेलो। जी बोले जी। एक बात मैं सुनता रहता हूँ, कैदी 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 की, जो तीसरी जमात के तालिबान थे जी, खास करके पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अदालती निजाम में, अगर वो अदालतें किसी को कैदी करार दे देती हैं, किसी को कत्ल का मुजरिम करार दे देती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर वो फैसला अवाम में मकबूलियत नहीं पाता और अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जुल्फकार अली भुट्टो की है। जुल्फकार अली भुट्टो को जो है कत्ल के जुर्म में हमने फांसी दी है, मगर पाकिस्तानी अवाम जो है उसने कभी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, और वक्त ने साबित किया कि फैसला गलत था और इसमें दबाव शामिल था। ठीक है, तो एक जब बात तो ये हो गई कि जब तक अवाम तस्लीम नहीं, यही बिल्कुल सूरत-ए-हाल मियां साहब की भी है जी। आपने उनको जबरदस्ती करके अकामे की बुनियाद पे नाहल तो करार दे दिया है, पाकिस्तानी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो अगर आपके हिसाब से वो कैदी हैं, और आप उसी जाएंगे इस प्रोग्राम में जितने पीटीआई के लोग आते हैं, वो कहते क्या है कि जी जी जी, वो कहते ये हैं कि अदालती निजाम जो है वो बड़ा खराब है पाकिस्तान का। वो ये कहते हैं ना कि भाई इमरान खान क्या करे, अदालतें छोड़ देती हैं, अदालतें पकड़ लेती हैं, अदालतें ये कर देती हैं। तो आपको ये कैसे यकीन है कि अदालत का ये फैसला सही है? अगर दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता जो कि पाकिस्तान नहीं है, उसमें अगर अदालतें इस तरह के फैसले करती हैं और उसके बाद जो है जो वीडियो आई है जजों की और जो बाकी सबूत आए हैं, ये तो फैसले वैसे नाहल हो गए, यानी कालेदम करार दे दिए जाते। तो अगर आपके लिए आप समझते हैं कि वो कैदी है, ठीक है आप समझें,
जो पाकिस्तान अवाम है वो तस्लीम नहीं, पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं करती है कि वो कैदी है, पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं करती है कि उनको सही सजा दी गई है। तो जब तक तारीख, और ये तारीख साबित करेगी, इसमें टाइम लगेगा, तारीख में ये साबित करना है। जैसे जो जो लोग ये आके लोग सुनते हैं ना कि भाई भुट्टो अभी भी जिंदा है, भुट्टो जिंदा क्यों है, ये सवाल कोई नहीं पूछता कि भुट्टो इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद क्यों भुट्टो जिंदा है, ठीक है ना। भुट्टो इसलिए जिंदा है कि आवाम को पता है कि इस बंदे ने जान हमारे दी है। भुट्टो इसलिए जिंदा है कि अभी भी वो जरदारी की जो बुरी परफॉर्मेंस को सह रहे हैं, किस लिए सह रहे हैं, भुट्टो के नाम पे सह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे थे जरदारी जिंदाबाद, वो कहते हैं भुट्टो जिंदाबाद, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है। आप तीसरी जमात से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी सलाहियत नहीं है। एक वर्ड होता है कैपेसिटी, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस। So don't come and repeat the same thing over and over and over and over again, please. जी हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। सर्टिफाइड कैदी को भुट्टो से मिला रहे हैं, एक और माइंड सेट आया कि नवाज शरीफ को भुट्टो से मिला रहे हैं। उन्होंने भुट्टू का बताया कि भुट्टू कैसे लोगों के दिलों में जिंदा है, उसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है जी। मासूमियत को सवाल है, और वो कह रहे हैं ये एक और माइंडसेट है कि लोग उनको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा लोग कहते हैं, वैसे बात में उनकी देखें कहां तक कितनी सच्चाई है उस बात में देखें। अभी अगर आप सिंध में चले जाएं तो लोग कहते हैं भुट्टू जिंदा है, तो इसलिए कहते हैं भुट्टू जिंदाबाद। आप कभी ये नहीं कहते सरदारी जिंदाबाद। ये देखें उन्होंने बहुत अच्छी बात की ये वाली, अगर गौर करें आप उनको जी। जरदारी जिंदा है मगर जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते उसके, जिंदा तो है जिंदाबाद। जिस तरह इमरान खान के और उसके नवाज शरीफ के लगते देखे ना, वो कभी जरदारी को नहीं अप्रिशिएट करते, जबकि भुट्टू, और वोट किसके मिलता है सिंधी में, सिंध के अंदर सिर्फ भुट्टू के ऊपर। आप देखे ना भुट्टू लोगों के दिलों में जिंदा है। खुश हो रही है जी, सिंध में काम हो रहा है। सिंध में काम नहीं हो रहा, वो मानते हैं, मगर देखे सिंध में कोई काम नहीं हो रहा, मगर सिंध में जीतता तो है ना। हमें जिंदा से क्या करना है जो किसी काम का नहीं है, उसको तो दफना देना चाहिए। देखे ना आखिर आवाम के दिलों में तो जिंदा है, कुछ काम ऐसा बेहतरीन करके गए ना, जिस तरह कॉलर ने आके पहले बहुत सारे प्रोग्रामों में ये मेंशन किया है कि भुट्टू क्यों लोगों के दिलों में जिंदा है, कि उसने कुछ कारकर्दगी की है। अब अगर वजीर अजम इमरान खान अभी जब लोग लेकर आए थे 22 करोड़ की आवाम के वोटों से जीत कर आए थे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, पर इमरान खान को लोगों ने भी चुना था, अवाम ने चुना था, अवाम लेकर आई थी, और उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर, पर वो उनकी उम्मीदों पे इसलिए पूरे नहीं उतरे कि उन्होंने कोई कारकर्दगी करके नहीं दिखाई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, आप उनकी कारकर्दगी बता दें मुझे, जिस तरह अक्सर कॉलर पूछते हैं, आप बताएं कि क्या काम करना चाहिए जो आज अवाम इतनी परेशान है, इतना रो रही है जी। हर हर इस सवाल का जवाब है कारकर्दगी से कोई आता नहीं, मैं क्यों कारकर्दगी बताऊं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी इलेक्शन होगा पता चल जाएगा इमरान खान की कारकर्दगी या नवाज शरीफ। जिस तरह आपने आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह दूसरे जिस तरह बिल पास करा लिए, जिस तरह बल दिए कि इंतखाबात में बुरी तरह हारे, फिर भी इसके बाद भी उनके सारे बिल पास हो गए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह वो जीत भी जाएंगे, आपका ये कहने का मकसद? आप देखे ना, यही आप यही कहना चाह रहे हैं, यही सच्चाई की टीम है। बजट पास हो गया, सेनेट के चेयरमैन बन गया, कश्मीर जीत गया, गिलगित बल्तिस्तान जीत गया, ये टीम है। वो कह रहे हैं कि टीम को देखे क्या। चलो एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, जी भाई जी। कह रहे हैं कि इलेक्शन में पता चल जाएगा। जी इलेक्शन में पता चलेगा, तो आप पहले भी बता चुके हैं इलेक्शन में क्या होगा इनके साथ। मैंने बताया कि वो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में जी, उसमें उनकी कारकर्दगी पता चल गई, यही कहना चाहता था बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जी जी। सबसे पहले तो एक सेकंड आपसे बात, जो सजा मिली थी हैंग किया गया था वो अहमद रजा कसूरी के पाप के किया था, और अहमद रजा कसूरी एक दिन भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागा, उसने अपने पाप का केस लड़ा था, अदालत ने जैसे भी दी, सारी दुनिया को पता है वो क्या था, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अहमद रजा कसूरी दो दफा बेनजीर की हुकूमत आई है, भुट्टो साहब की बेटी की, उसको उससे पूछती ना कि कैसे तुमने ये केस लड़ा है, तो कैसे सजा दिलाई है मेरे बाप को। और दूसरी दफा इनका जरदारी साहब आया, उन्होंने तो अपनी बीवी का भी नहीं पूछा किसी से। तो बात यह है कि अदालतों का जो सिस्टम है ना, ये शुरू से ऐसा है, और सारे का सारा जो ब्लेम है ना वो हमारी जनरेशन, जिस उम्र में मैं हूँ, ये भाई साहब है, वो भाई दूसरे अपना भट्ट साहब है, दूसरे सैयद साहब है,
ये सारे हमारी जनरेशन सारे का सारा कसूर ये हमारा है। हमने वो पाकिस्तान नहीं दिया अपने बच्चों को जो हमारे माँ बाप ने दिया था लेके। That's all our fault. Don't blame us, damn anybody else. और मियां साहब तो चाहते थे कि ये पंजाब पुलिस है जो मिलिट्री है जो ये पंजाब पुलिस बन जाए। दिन रात मुझे मेरी फैमिली को सलूट और मरियम आके कहती है वी आर द हुक्मरान फैमिली। God damn it, this is the बादशाह। कहां से आ गई हो तुम हुक्मरान फैमिली बनने के लिए? एक दफा का इलेक्शन होता है पांच साल का, तो पांच साल का दूसरा लड़ो, 10 ईयर में अपने घर जाओ वापस। यू डन। इन्होंने 3 दफा कर दिया, 4 दफा कर दिया। जो इनको जरूरत, जो दूसरे को या पब्लिक को पाकिस्तानी अवाम को होता है वो 35 ईयर में इन्होंने किसी को एक पाई नहीं दी। इन्होंने सब कुछ लूट के अपने बच्चों के नाम, वो दुर्मट जैसे बच्चे हैं इसके जो वो हरे थे, वो $12 की जॉब क्वालिफाई नहीं कर सकते। और उनके कभी जाके बैंक बैलेंस देखना आप। अब तो मियां साहब और मरियम है ना, मरियम अपने बेटे को तैयार कर रही है आपको थोपने के लिए। नॉट गिव द सेम पाकिस्तान आवर फोर फादर गिव टू अस। जी जी हेलो जी जी, आप मेरे साथ हैं पाकिस्तान से कॉलर, उनको भी मैसेज दे दूं। जी बोले, जी बोले मैम। सबसे बड़ी बात मैम जी, मेरी बात सुने, सुनाए। दुर्मुट जैसे कहा उनको, वो तो हमारे बबलू हैं। अब हमारे बबलुओं को वो ऐसे कहेंगे वो कि वो दुर्मुट जैसे हैं? कुछ तो ख्याल करें। ये नौजवान क्यादत जो है कैसी कैसी बातें करती है, आगे पुरानी बातें नई बात करें, वो तो दिलों के लिए राज करते हैं पाकिस्तानी कौम के। ठीक है, अगर आपका खान अब दिल से उतर गया लोगों के, तो आपको सोचना चाहिए। जो उन्होंने साथ टीम बिठाई है उनको सोचना चाहिए कि खान साहब के बारे में लोगों के दिलों में नफरत इतनी क्यों आ गई है, क्यों खान साहब को गालियां दे रहे हैं सरेआम। वो तो अयूब साहब थे जिनको एक गाली दी और वो उन्होंने साइड पे की हुकूमत और चले गया। आपको तो इतनी गालियां पड़ रही है, पता नहीं मेरे ख्याल में आप बेवकूफ ज्यादा है या पागल ज्यादा है कि आपको सुनाई नहीं देती। वो तो कहता था मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैं हुकूमत छोड़ के चला जाऊंगा। अब तो सरेआम सरे बाजार उनको गालियां पड़ रही हैं और लोग पता नहीं टॉक शो में बैठ के मुंह पे गालियां दे रहे हैं, फिर भी उनको ये समझ आ रही कि मैं छोड़ के चला जाऊं। वो उस वक्त जाएगा जब ये मुल्क बिक जाएगा, वही कसम पूरी कर देगा वो। इनके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो, झूठ बोला है तो कायम भी रहो, इस पर आदमी को साहिब करदार होना चाहिए। खान साहब अगर झूठ बोलते हो तो कायम भी रहो उस पे कि मैंने ये सारे सारे झूठ बोले थे। अब टाइम आए शाये ना करो आप। आप तो सुबह से आगे शाम तक एक ही रट्टा लगाने के लिए आपने, और आप अपनी जो नया अहल टीम है उसको सुबह से बैठा देते हो कि अवाम को वो रिलीफ के बारे में या कोई ऐसी बात नहीं बतानी, सिर्फ आपने जाके टॉक शो में एक ही बात करनी है कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर। और भाई हम भी कह रहे हैं चलो ठीक है वो चोर है, अब जो इतने घपले हो रहे हैं, आपने इंतहा पे करप्शन कर दी है, आपका बुजदार सही खा रहा है पूरे पंजाब को लूट के खा गया, उसका तो मुंह भी काला हो गया है, फिर भी उसको शर्म नहीं आती, इतनी करप्शन कर रहा है वो, आपको कब समझ आएगी? आप चले सही है, आप आके हमारे लीडरों को दुर्मट कहते हो, वो तो बबलू है, बबलू मम्मी डैडी बच्चे हैं, आप उनको कह रहे हो दुर्मट है वो। खान के बच्चे देखो कैसे है वो, अब उनके बच्चे के बारे में बात करूंगा तो फिर कहेंगे वो खान के बारे में बात कर दी। चले बच्चों पे ना जाए अभी टॉपिक पे। जी हेलो जी, जी हेलो जी। जी समीना, एक बात अभी मैंने आपके अमेरिका के कॉलर से सुनी, बहर उन्होंने आना होता है कूदना होता है, उनकी उम्र का भी लिहाज है। वो कह रहे हैं कि जी 2 दफा हुकूमत में आई और अहमद रजा कसूरी से इंतकाम क्यों नहीं लिया या कुछ किया क्यों नहीं, करेक्ट? अगर ये मुकदमा करा तो दिस इज एक्चुअली अ थिंग टू प्रेज बेनजीर भुट्टो, उन्होंने हुकूमत में होते हुए भी वो इंतकाम नहीं लिया, सिस्टम पे उन्होंने ये छोड़ा। और जो बात उन्होंने की वो की कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वो बेस्ट रिवेंज जो है वो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी जो है देती आ रही है दिन में, कि अवाम जो है उनके इस इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है, आपकी भी कैपेसिटी इतनी नहीं है। आपने पाकिस्तान जो है वर्ड जो सीख लिया है वो मेरे ख्याल में एक ही वर्ड आपने सीखा है, उसके अलावा तो अंग्रेजी आपको बोलने नहीं आती, तो पाकिस्तान ना क्या करें? अगर पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान कहाँ करें? जी जी जी, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। एक तो कारकर्दगी, एक साहब आते हैं एक आते हैं डेमोक्रेसी की बात करने, लेकिन ये नहीं कहते कि पार्टी में नहीं है डेमोक्रेसी,
और दूसरी बात है, मासूमियत से कह रहे थे कि नाम बताएं, नाम किससे मिले। जरदारी साहब ने नाम पूछा था कि किसके कहने पे सदर बना था, अभी पूछा था गिलानी किसके कहने पे वो सैनिट का वाइस चेयरमैन बना, आपने उस वक्त नाम नहीं पूछा। उस वक्त नाम पूछा था तीन दफा का चोर वजीर आजम कैदी बना, उस वक्त नाम नहीं पूछा था। और पाकिस्तान के कॉलर को ये कहूंगा कि भाई जलसे में भी आदमी पानी पीता है, थोड़ा फुल स्टॉप रखता है, आप जज्बाती नहीं हो, आराम आराम से बात करें, पानी पिए ठंडा पानी और हमारे बात का जवाब दे। थैंक यू सो मच। मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। जी बोले जी। जिंदाबाद जी। बात ये है कि कमारा को चोर बिल्कुल नहीं है, तो चोर उन चौकीदारों का है जो गेट पर बैठने के बजाय ड्राइंग रूम में जाकर टांगे पाकर बैठ जाते हैं। नवाज शरीफ को भुट्टो से इसलिए मिलाते हैं कि दोनों स्टेटमैन थे, न्याजी की तरह रंगबाज नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अहमद रजा कसूरी की दरखास्त पर अपना सेशन अदालत ने फौरन जमानत दे दी थी, ये ज़ियाउल हक था जिसने अपना मजबूर किया और उसकी जमानत कैंसिल करवाई। और फिर यह है कि भुट्टो का केस ऐसा है कि उसको पीएलडी में अपना कोर्ट नहीं हुआ, वरना सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेस होते हैं वो पीएलडी में रिपोर्ट होते हैं। भुट्टो का वाइज केस है जो पीएलडी में रिपोर्ट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदगी, इतनी शर्मिंदगी है कि उन्होंने उसे पीएलडी से खारिज करवा दिया था। दूसरी बात यह आज मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए बेतराज करने से पहले। बेनजीर के दौर में भुट्टो केस के ऊपर वीएल की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, ये अपना जरदारी के दौर में सारी जरदारी, और वो आज भी पेंडिंग है वहां के ऊपर। अगर वहां पे उसके ऊपर फैसला नहीं होने दिया जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो नहीं अपना वहां पे अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। इसी तरह आ जाते हैं कि वो चोर चोर फलाना चोर। बात यह है कि वो अदालतें जिनके सिटिंग जज जब वो कह रहे हों कि मैं, हमारे को प्रेशर था कि हमें कहा जाता है कि नवाज शरीफ की जमानत नहीं लेनी है, उसकी बेटी की जमानत नहीं लेनी है, तो उसके फैसलों की अपना क्या औकात रहती है। दूसरी बात यह है कि जिस बात के ऊपर नवाज शरीफ को सजा दी गई उस इल्जाम के उसको साबित करना जो है इल्जाम लगाने वाले का अपना वो फर्ज बनता है। पूरी दुनिया में रूल है कि जब कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाए तो इल्जाम लगाने वाला सबूत देता है। ये वे अपना पाकिस्तान में वाहिद अपना मौका हुआ कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसको कहते हैं कि तुम सबूत दो, इल्जाम लगाने वाला जो है सबूत साबित नहीं कर रहा। तो इसलिए अदालतों के अपना मिसाल देने से पहले आप जरा ये भी एक हकीकत देख लें कि वो अदालतें को चलाने वाले पीछे कौन थे। थैंक यू। चले जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ तावुन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। जीटीए में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128, 416 डिजिटल साइन। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान एट 416-628-7849। एसेंस इवेंट डेको, क्रिएटिव, एलिगेंट एंड यूनिक। Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system. Installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at काफी कॉलर मेरे साथ मौजूद थे, मगर मैं ब्रेक की तरफ जा रही थी तो कहा था ब्रेक के बाद वापिस आऊंगी तो आपको एयर करूंगी। देखिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपनी राय है, मगर जो कॉलर कुछ आके बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है, पाकिस्तान में क्या काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आए, कुछ कॉलर के बहुत अच्छे से मैसेजेस थे जो आपने सुने होंगे और आपको भी लग रहा होगा कि कितने अच्छा मैसेज दिया है और कितने अच्छा तजिया कर रहे हैं कि मुल्क के लिए सोच रहे हैं। अभी आप छोड़ दें कि कौन बिलावल भुट्टू और कौन क्या कहते हैं ना नवाज शरीफ और कौन इमरान खान, आप मुल्क की आवाम के लिए सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुल्क की आवाम के लिए बात करें, आके जो भी बात करनी है उसके लिए देखें। एक सेकंड होल्ड करें। जी जी, हेलो जी जी जी, हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें अपना। जी जी जी, कहा जाता है कि भुट्टो अपना जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जो है वो शहीद होकर जिंदा है, लेकिन जिंदा इमरान जो है वो सियासी तौर पर जिंदा दरगोर हुआ हुआ है। बात यह है कि एक नाइंसाफी की घोड़ों की रेस में, एक नाइंसाफी ने घोड़ों की रेस में हिस्सा लिया, रेस में नाइंसाफी का घोड़ा सबसे पीछे था। दोस्त ने पूछा, यार ये जी आपका जो घोड़ा कौन था इनमें से, तो नाइंसाफी बोला वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। तो यही इनका हाल है इमरान खान के मैतियों का, फिर कारकर्दगी में सबसे पीछे हैं और फिर कहते हैं जी कि वो उसने उनको सबको आगे लगाया हुआ है। सिंपल सी बात ये है कि जिस शख्स ने इमरान खान उस्मान गुलजार जैसे बंदे को आगे किया हुआ है, जिस बंदे ने लगाया है उसके दिन की हालत कैसी होगी, ना चाहते हुए भी मुझे आज इमरान ने आज। अच्छा, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? बस अल्लाह करम है सिस्टर। कल ही मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आज भी देख रहा था जी। तो रहा नहीं गया, मैंने कहा कि कॉल, कल बात हो रही थी जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर कि आपके वो एक कॉलर भाई हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि फाइज ईसा के पास पैसा कहाँ से आया, अगर ये कैनेडा में ये केस चल रहा होता तो फाइज ईसा का क्या हशर किया जाता। तो मैंने मान ली उनकी बात, उन्होंने सवाल किया था कि जितने कैनेडियन हैं तो मैं भी कैनेडियन नेशनल हूँ, तो मैं भी इस वजह से, सॉरी मैं कल कॉल नहीं कर सका, मैं उनको सिर्फ जवाब देने आया हूँ उस बात का कि भाई जो हमारे पास परसों स्नो गिरी 60 सेंटीमीटर, उसमें मुझे आप बताने कितने लोग मरे, सही है? कोई एक आदमी नहीं मरा पूरे जीटीए के अंदर। स्नो भी साफ हो गई, जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक आ गई, मरी में वाकया हुआ, 23 आदमी बेचारे मर गए, सही है? अगर यही इमरान खान हमारे यहाँ के कनाडा के वजीर आजम होते तो मेरे ख्याल में इनको सीएन टावर पे खड़ा करके एक लात इनको पीछे से मारी जाती और ये गार्नर पे आके गिरते, इनका ये हशर किया जाता। तो फायज ईसा का मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे उस बात का जवाब दे दें कि जो इमरान खान अगर यहाँ के वजीर आजम होते तो जो मैंने बात कही कि उनको सीएन टावर के ऊपर खड़ा करके एक लात उनके पीछे मारी जाती और वो आके गिरते, ये बात सच है या गलत है? क्योंकि बात फायज ईसा पे वो कर रहे थे, तो भाई मेरा उनसे ये सवाल है कि मान लिया फायज ईसा करप्ट आदमी जो भी है, आप अपने वजीर आजम का बता दें। फिर दूसरी बात हो रही है जो आज आपके प्रोग्राम के अंदर के इमरान खान के बारे में, सही है सिस्टर, कि जी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। भाई इसकी हकीकत यह है कि आज भी भुट्टो जिंदा के नाम पे सिंध में वोट मिलते हैं,
चाहे जरदारी करप्ट आदमी है, बिलावल करप्ट आदमी है, इमरान खान अपने अप्पा को जरा खड़ा करते हैं और वो एक वोट लेके दिखा दे। भुट्टो का तो ये कि वो कहता है खंबा भी है ना, ये भुट्टो का खंबा है तो उसको भी वोट मिल जाएगा। इमरान खान अगर अपने अप्पा को भी खड़ा कर देंगे तो वो वोट नहीं मिलेगा। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था कि भुट्टो जिंदा में और इमरान खान के अप्पा होने में कितना फर्क। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारे कॉलर आ रहे थे मगर अब ड्रॉप हो गए, तो अब दोबारा कॉल कर लें। जी हेलो। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि कनाडा में इमरान खान को बुला के सजा दे रहे हैं, इनमें तप्पड़ नहीं है कि पाकिस्तान में सजा दे सके। कह रहे हैं सीएन टावर में इज्जत भी दे रहे हैं, हाईएस्ट बिल्डिंग पे। इनका माइंड सेट देखे, मैंने कहा ना आप ट्रक बदल सकते हैं, ट्रक ड्राइवर का माइंड नहीं चेंज कर सकते। और दूसरा, भुट्टो जिंदा था पहले चारों सुबह में, फिर उसके बाद एक सुबह से मारा, फिर तीन में आ गया, फिर तीन से मारा दो में, फिर सिंध में जिंदा रहा, अब सिंध में भी गया, अब लाड़काना में जिंदा है, लाड़काना में गया, अब सिर्फ गड़ी खुदा बख्श में जिंदा है। ये नहीं देख रहे हैं कि अब वो चारों सूबे में जिंदा था, अब वो आ गया सिर्फ गड़ी खुदा बख्श तक। तो भाई काम उसने क्या किया है, काम ये किया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है वो जिंदा है। जिंदा मकान जिंदा, रोटी कपड़ा मकान लोगों को मिल रहा होता, सिंध में खुशहाली बह रही होती और लोग तरक्की कर रहे होते, तालीम सिंध की अच्छी होती, हॉस्पिटल सही होता। इस जिंदा का हमने क्या करना है, चार डालना है, इससे अच्छा तो आदमी दफन हो जाए। थैंक यू सो मच। जी हेलो। जी 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 जी, अमेरिका को जो मुल्जम मतलूब थे पाकिस्तान में, तो अमेरिका ने उनको पाकिस्तान से लाके ग्वांतानामो बे में लाके जो है वो अपना उसके गिरफ्तार किया था, कैद किया था। तो इसी तरह जो कैनेडियन है वो चाहते हैं कि जो इनके मुल्जम है पाकिस्तान में अगर, तो उसको हाईएस्ट जगह से नीचे गिराएं। पाकिस्तान में ऐसे कोई हाईएस्ट जगह नहीं है जिस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में कोई हाईएस्ट जगह नहीं है, इसलिए कनाडा में लाके सीएन टावर से नीचे गिराना चाहती हैं। बात यह है कि ना चाहते हुए मुझे इमरान खान नियाजी साहब के बयान से मुकव्वल इत्तफाक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऊपर जी 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 अगर ऊपर वजीर आजम चोर हो तो नीचे सारे चोर होते हैं। पिछले 3.5 साल में हमने हर तरफ चोर ही चोर देखते हैं, वोट चोर, तोशाखाना चोर, आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर, एलएनजी चोर, कोरोना चोर, चंदा चोर, खाद चोर, धन चोर। जिसने ज़कात के पैसे ना छोड़ा हो वो इमरान खान आपके टैक्स से पैसे कैसे छोड़ेगा, या वो पैसे नहीं छोड़ेगा तो आम के लिए लाज या मजीद सस्ती होंगे। थैंक यू। जी हेलो। जी जी, अभी भाई साहब ने आके बोला कि मैंने पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला है, तो वो ट्यूशन जैसे क्लासें कब शुरू होती है इंग्लिश की, तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँ, and I can afford to pay the tuition too. इसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ेगी। Please give me some English classes and I pay you, okay? पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला मैंने, वो ये गलती निकाली उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ आई कैन पे यू द ट्यूशन मैन, यू डोंट हैव टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। Tonight. जी हेलो। जी जी हेलो। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने भी वो भाई एक बात कर रहे थे कि भुट्टो ने क्या किया, शायद मेरा ख्याल अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये पासपोर्ट और ये आईडी कार्ड वगैरह जो है ना भुट्टो इनके जमाने में है कि जिसके ऊपर हम आज कनाडा, अमेरिका और इन जगहों पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ी एक वो थी। मैं कभी भी पीपुल्स पार्टी के हक में नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन जो उसकी एक अचीवमेंट है वो है, ठीक है ना, सही। तो हमें ये बात है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो काम किया, देखिए कुछ तो मैंने यही बताया ना कि कुछ तो अच्छे काम करके गया जो लोगों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। वरना कब का देखें आप, सिंध के जो हालात हैं, जो चीजें चल रही हैं, अभी भी लोग भुट्टो के नाम पे वोट देते हैं। आप देखें ना आखिर क्या वजह है। ये ऐसे ही जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पीटीआई वालों को पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई कारकर्दगी नहीं की, लेकिन फिर भी वो उसी को वो कह रहे हैं कि हाँ जी वही किसी तरीके से चले आप लेने। अगर आप कहते हैं उसने कुछ नहीं किया तो इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया इसी वजह, लेकिन फिर भी जो उसके साथ देने वाला जी जी उसका आएगा अगले 5 साल भी जी। तो इसी तरह भुट्टो के लोग भी जो है ना, जिन्हों बेशक कुछ भी ना हुआ वो फिर भी इसी को वोट देंगे जी। थैंक यू, थैंक यू जी जनाब। जी जी हेलो। जी जी, अभी मैंने जवाब सुना है तो अगर वो रिकॉर्डिंग सुन लें तो उनको नजर खुद पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान कहा है या क्या कहा है।
दूसरी बात भी है कि आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क एंड हिज ट्यूशन विल बी अ चैरिटी वर्क फ्रॉम मी. इफ ही इज विलिंग टू डू इट आई एम विलिंग टू टेक इट. आई कैन डू इट बट जस्ट एज अ चैरिटी फॉर हिम. चले जी. हेलो जी. हेलो हेलो जी 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 सिस्टर, अब बात हो रही थी सिस्टर के वो आपके प्रोग्राम में कल से एक टॉपिक चल रहा है कि जी ये चार आदमी किससे मिले. सही है. अच्छा, चार आदमी किससे मिले, किससे मुलाकात की. जी जी. तो जी गलत निकल जी आपके मुंह से एक नाम गलत निकल रहा है, ख्वाजा आसिफ का. जी ख्वाजा आसिफ का नाम उन्होंने नहीं लिया है. जी लिया है अयाज सादिक का, अच्छा खान अब्बासी का, एहसान इकबाल का और मुफ्ता इस्माइल का. ये मुफ्ता इस्माइल का तो लिया है मगर ख्वाजा आसिफ का भी नाम लिया. मैं शायद मुझे आसिफ का नाम नहीं है सिस्टर. अच्छा चले मैं आपसे चले. नहीं नहीं हो सकता है आप सही कह रहे हैं. नहीं वो हो सकता है मिस्टेक हुई हो. जी जी अच्छा तो बात चलो मगर आज तो दो के नाम मेंशन किए ना फवाद चौधरी ने. एक बात सुने, फवाद चौधरी ने दो के नाम मेंशन किए मगर एक कॉलर ने यहाँ सवाल किया मुलाकात किससे की. एक ने कहा मुलाकात तो होनी नहीं चाहिए, उसके जवाब दे. तो मैं वो बात बिल्कुल सही है, उनकी बात बिल्कुल सही है, मुलाकात होनी नहीं चाहिए. सिस्टम आपको पता है जी, कोई वजीर आजम नहीं होता, कोई सदन नहीं होता, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही ऊपर से हुकूमत चला रही होती है. ठीक है. अभी आपके हफ्ते 10 दिन पहले यही इफ्तकार की बाबर इफ्तकार कौन है जो इसके हैं फौज के, जिन्होंने आके बोला जी हमें इस मामले में ना घसीटा जाए, हमारा कोई वास्ता नहीं है. तो अब वो साहब कहाँ जाके सो गए हैं कि उनको अभी तक नींद से वो उठे नहीं है कि वो आके टीवी पे बोल रहे कि अगर मुलाकात हुई है या नहीं हुई है. तो वो मेरा ये मतलब है कि ये नून ली वाले आके क्यों बोलेंगे हाँ जी हमारी मुलाकात हुई है. आज भी खान अब्बासी मरियम की तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं. अगर मुलाकात हुई होती तो वो तो बातें सुना रहे होते. वो तो समझ लिया, उन्होंने तो कहा कि हमारी कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई मगर मीडिया में शोर मचा हुआ है, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, बगावत शुरू हो गई है. जी पीटीआई की हुकूमत जो है आवाम को बेवकूफ बना रही है. महंगाई एक तरफ, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है और वो ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा रहे हैं कि जी वो मुलाकातें हो रही हैं. अब क्या हो गया, पूरा वीक यही टॉक शो चल रहे हैं आप देख लें. अगले हफ्ते कोई और स्टोरी आ जाएगी. तो बॉटम लाइन में ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे इफ्तकार बाबर इफ्तकार साहब हैं जनरल, वो आके टीवी पे इस बात की वर्षा क्यों नहीं करते थे. या तो अभी तक सो रहे हैं या वो पाकिस्तान से बाहर हैं या कहाँ हैं कि भाई वो आके बोल रहे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है. क्योंकि हफ्ते 10 दिन पहले तो वो आ गए थे टीवी टॉक शो पे के लिए, उन्होंने कोई मुलाकात हमारी नहीं हुई और हमारे इस मामले में. अच्छा आप बताएं कि अपोजिशन जो ना इल्जामात पे इल्जामात लगा रही है, क्या हुकूमत के पास इसके जवाबात नहीं है जो हुकूमत नहीं देना चाहती किसी मीडिया पे. नहीं आप बताएं जरा मेरे सवाल. वो तो कितने इल्जामात हुकूमत पे लग रहे हैं. अपोजिशन हर दिन एक नया इल्जाम लगाती है पर हुकूमत खामोश रहती है. क्या उसके पास जवाबात नहीं है. आप ये देखिए नूर आलम साहब ने जी क्या बोला है कि इमरान खान और इनके जितने भी वजीर हैं सबका नाम ईसीएल में डाला जाए. जी भाई कोई ये तो है अभी तक पीटीआई में नूर आलम. सही है. ये भी नहीं कि आप कहेंगे वो पीपल्स पार्टी में चले गए या वो मुस्लिम लीग नून में चले गए ना, उनको निकाल भी नहीं पा रहे हैं. वो उनका नोटिस भी दे दिया, उसने कहा मैं उसका भी जवाब नहीं दूंगा. तो कोई तो वजह है ना कि एक आदमी पीटीआई का आके ही सच बोल रहा है ना, कोई तो वजह है. तो अच्छा आप ये कहेंगे कि अपोजिशन जो इल्जाम लगा रही है कि पीटीआई में बगावत हो रही है, पीटीआई के लोग मिल रहे हैं खुफिया, तो ये बात कहाँ तक सच्चाई है ये बताएं. बिल्कुल सिस्टर ये हकीकत है. परवेज खटक को आप उठा के देख लें, परवेज खटक के भाई भतीजे भांजे ये सब जो है पीपल्स पार्टी या नून लीग में, सिर्फ परवेज खटक ही इसमें फंसा हुआ है सिर्फ. और जो उसके 15-20 आदमी है, और जब इलेक्शन होगा आप देख लीजिएगा ये भी छोड़ के चला जाएगा. हमने तो आपसे पहले ही बोला है कि इनके सूटकेसेस तैयार रखे हुए हैं, जिस दिन हुकूमत गई ये पाकिस्तान से भाग चुके होंगे ये शहबाज गिल. और आपको एक और खबर दे रहा हूँ, आप लिख लें कागज पे कि विद इन अ मंथ इस महीने के आखिर तक शहजाद अकबर की छुट्टी होने वाली है. आप ये बात लिख रहे हैं सिर्फ दरवाजे में खड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा फिर इस महीने के 15 दिन का आपसे बोल रहा हूँ कि शहजाद अकबर की आप देख लीजिएगा छुट्टी हो जाएगी. तो आप ये बात अपने पास लिख लें. आप चले मैंने लिख लिया. शहजाद अकबर जो रोज आके अखबार कागज लेके बैठ जाया करते थे ना, इनकी छुट्टी होने वाली है. आप ये बात लिख लें अपने पास. चले मैंने लिख ली, बहुत शुक्रिया. जी जनाब जी जी. फिर नजूमी एक नई लेके आए हैं, क्या कह रहे हैं विद इन मंथ क्या होगा ये आप सुनिएगा ना, आप रिपीट के अंदर. अब मैं आपको क्या बताऊं, अब जब होगा जब बताऊंगा. इनकी तो बात कोई सुनता ही नहीं है. मैंने कहा ना 25-25 में बोलूंगा तो अभी ये अभी 24 को वो आ रहा है, बजट पास नहीं होगा. पहले दिन से ही नजूमी ने परेशान किया हुआ है कि अब जा रहे हैं, अभी एक नई खबर लेके आए. और भाई ये डेमोक्रेसी है, इमरान खान की हुकूमत में कोई नाराज होगा कोई इमरान खान के खिलाफ भी बोलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम.
अगर खिलाफ हो तो पार्टी छोड़ दो, आप क्यों पार्टी में हो, इमरान खान पसंद नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बी पेशेंट, थैंक यू। जी 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 हाँ जी 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 बात यह है कि पीटीआई वालों का वतीरा है कि लम्हे मौजूद में ये हर वो गलत काम कर रहे होते हैं जिसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा रहे होते हैं। अपनी कारकर्दगी है नहीं है, वो दूसरों की कारकर्दगी पर गज़ लंबी जुबान अपना निकाल कर जो तनकीद करते हैं। आज देखें पंजाब में इनकी बेशर्मी की इंतहा देखें कि आज 22 मासूम जाने गई थी जो सान अमरी में इनकी नैली की वजह से, उसके ऊपर आज रिपोर्ट पेश हुई और उसके लिए बकायदा तकरीब हुई और उस्मान गुलजार साहब रिपोर्ट ऐसे वसूल कर रहे हैं जैसे उनको कोई अवार्ड मिल रहा है। मतलब है इनकी अपना जहनी हालत का अंदाजा लगाएं कि 22 अफराद की जानों के ऊपर अफसोस करने की बजाय वो जो उसकी तहकीकती रिपोर्ट है उसको भी ऐसे वसूल कर रहे हैं जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। Music